नमस्कार, आप सबका मनोज खंडेलवाल के लाइफ विद खंडेलवाल इनिशिएटिव में स्वागत है। इस वक्त आप लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं मनोज खंडेलवाल स्मोक सोल्यूशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इसमें हम जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं वो दोनों ट्रेनिंग दे रहे हैं। सारी ट्रेनिंग का जो बेस है वह है एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंचर, इसीलिए हम इसको एक्यू केयर प्रोग्राम लिखते हैं। एक्यू केयर प्रोग्राम लिखने के पीछे मकसद ये होता है कि एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट होंगे वो टीसीएम के होंगे और उसी के ऊपर मॉक्सिवेशन का काम होगा। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। ऑनलाइन वालों के लिए ही ऑफलाइन की सुविधा होती है। डायरेक्ट ऑफलाइन में आकर समय खराब ना करें, क्योंकि हमारे बैच में सारे लोगों का ज्ञान का स्तर और काम का स्तर ऑनलाइन से हम एक समान करते हैं। उसके बाद किसी को फर्स्ट हैंड जो ट्रेनिंग है उसमें अगर कोई दिक्कत आती है, कोई आदमी तेज होता है, कोई आदमी कमजोर होता है, तो उनकी व्यक्तिगत गलतियां ठीक करने के लिए ही हम ऑफलाइन में बुलाते हैं। वहां पर हम कोई भी प्रकार का लेक्चर नहीं देते, कोई भी प्रकार का थ्योरी नहीं होता, ऑनलाइन की बातों को दोहराया नहीं जाता। हम डायरेक्ट एक बेड देते हैं, उस पे आप जैसे चार लोग होते हैं, दो लोगों पे प्रैक्टिकल करना होता है, दो लोग करते हैं, फिर वो लोग स्विच ओवर होते हैं। पहले जिन्होंने जिसके बॉडी के ऊपर किया, फिर जो लोग अपने ऊपर ट्रीटमेंट ले चुके हैं वो फिर देने वाले बन जाते हैं। तो लेने और देने वालों की पारी चेंज हो जाती है और एक बेड पे चार लोग आराम से काम कर सकते हैं, और उनकी मॉनिटरिंग हम और हमारे सीनियर स्टूडेंट के द्वारा होता है। हर बेड का एक मेंटर होगा, मेंटर की निगरानी में ही आपको काम सीखना होता है। मेंटर वो लोग होते हैं जो ऑनलाइन में हमारी निगाह में सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट्स होते हैं और उनको पता होता है कि कैसे कमजोरी हो। तो हम पूरी टीम में एक ऐसा प्रयास करते हैं कि भाईचारा विकसित करते हैं, कि पूरी बिरादरी एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के पास उनके नंबर्स हो, एक दूसरे की वो मदद कर सके और वो अपने काम में इजाफा कर सके। एक से एक दो की गिनती तो दुनिया करवाती है, और हमारा मकसद 1 से 11 बनाने का है। तो हमारी ट्रेनिंग में यह सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। उसमें तीन बातें होती है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो डिफरेंस है। ऑनलाइन में भी वही बातें हैं, ऑफलाइन में बारीकी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, और वहां पर सिर्फ तीन चीजें होगी, प्रैक्टिकल, क्लिनिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क जो स्टडी बेस्ड है। वो बातें हम बिल्कुल नहीं प्रयोग करते जिससे हमें रिजल्ट नहीं मिला हो या जो किसी शोध पत्र में काम में नहीं आया हो। खाली किताबों में लिखी हुई बातों का हम इस्तेमाल नहीं करते। किताबों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, लेकिन समय के साथ तो बदलाव जरूरी है। बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ है, तो वो बदलाव के साथ वाले कार्यक्रम ही हम चलाते हैं। हम तीन लोग हैं जो एक टीम के सदस्य हैं, और भी तीन लोग हैं जो विदेशी हैं, जो हमारे अलग अलग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। इस वक्त आप लोग जो हैं इसमें घुटना, कमर, स्पाइन, जोड़ों के दर्द के ऑर्थोपेडिक, क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के वो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत मायने रखता है, आज का और रविवार का, क्योंकि तो ऑर्थोपेडिक का बेस यही है और कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी एक्यूपंचर का भी बेस यही है। डॉक्टर सुभाष शाल्या भारत से, फोर्टिज एंड अपोलो हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं बीच में हूँ, और जेही रेनेगा अमेरिका से न्यूट्रिशनिस्ट एंड एक्यूपंक्चरिस्ट, वो कम से कम बहुत सारे फील्ड में है, और इसके अलावा हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी टीम है। प्रैक्टिकल मॉक्सिवेशन ट्रेनिंग का ये एक ऑफलाइन प्रोग्राम है। हमारे क्लास जो होते हैं वो लगभग 6 महीने पहले ही फुल हो जाते हैं, तो जिन लोगों को ऑफलाइन में चाहिए तो डायरेक्ट हम नहीं देंगे और डायरेक्ट हम लेते भी नहीं है, क्योंकि हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट से ही वो सारे के सारे बैच हमारे भर जाते हैं। इसलिए हम ऑनलाइन के स्टूडेंट को दिल्ली और मुंबई में सिर्फ फर्स्ट एंड ट्रेनिंग प्रैक्टिकल के लिए बुलाते हैं। तो फिलहाल हम बातें करेंगे तो ऑनलाइन की। इस वक्त आप लोग जो देख रहे हैं वो कॉस्मेटिक ब्यूटी मॉक्सिवेशन देख रहे हैं। इसी के कड़ी में हम सबका बेसलाइन मजबूत कर रहे हैं कि आगे चलकर जब हम कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी की चर्चा करें तो यह सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो हम लोग अब प्रवेश करते हैं मॉक्सोकोलॉजी, कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी मॉक्सिवेशन में, जिसमें आज हम आपसे जानेंगे और हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे और सोच की वह धारा विकसित करेंगे जिसको हम गोल्डन रूल ऑफ मॉक्सिवेशन में गिनते हैं। गोल्डन रूल्स वो होता है कि जिसको नजरअंदाज हमें नहीं करना है, वह उसकी स्थिति को तय करता है। आपकी सफलता और असफलता को ये छोटी छोटी बातें तय करती है। तो मैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं जाऊंगा, हम आपको आज ये बताएंगे कि आपको बड़े साधारण तरीके से चीजों को कैसे करना है। सबसे पहले एक सवाल सबके दिमाग में आता है कि टाइम ऑफ मॉक्सिवेशन क्या होता है। टीसीएम के अनुसार नून टाइम और 3 बजे के पहले का समय जो होता है वह सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। अब आपको धीरे धीरे आपके वो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी कि गर्मी में नहीं किया जाता है, जबकि ये गर्म के टाइम में
यानी दोपहर के समय ही मार्क्सिबेशन के रिजल्ट अच्छे होते हैं। तो इस पे यह ना सोचे कि अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट जब ठंडा हो जाएगा तब मार्क्सिबेशन करेंगे। और सर्दियों की बीमारियों का इलाज हम गर्मियों से शुरू करते हैं। गर्मी में दिया हुआ मार्क्सिबेशन का ट्रीटमेंट सर्दी में आने वाली बीमारियों को रोकता है। तो यह है इसका गोल्डन रूल। तो इसका बेहतर समय होता है दिन में 3 बजे के पहले पहले मार्क्सिबेशन करने की चेष्टा कीजिए। जिनका क्लिनिक शाम को है वो शाम को कर सकते हैं, ऐसी बात है कि नहीं कर सकते। हम बात करते हैं कि TCM क्या कहता है और हमें उसे बेहतर रूप से कैसे लागू करना है। अगर आपका क्लिनिक मॉर्निंग और इवनिंग दोनों चलता है तो मार्क्सिबेशन की प्रक्रिया को सुबह के समय रखना ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी बात, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि उस दिन कुछ लोगों ने रेनेट पे काफी सवाल किए थे, तो मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे पोस्टपेड प्रोग्राम में रेनेट के बारे में बताना था लेकिन कुछ लोग हमारे साथ थे यहाँ से छूट जाएंगे, तो उनसे गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो जानकारी पूरी होनी चाहिए। जैसे कल मैंने बॉक्स मार्क्सिबेशन के बारे में बताया, आपको लगा कि जानकारी पूरी हो गई है, उसके बाद भी बहुत सारी जानकारी एड ऑन हुई। तो आप पेपर जो लगाते हैं उस पे ध्यान रखिएगा कि ये नमक ऊपर और इस पेपर के नीचे भी नाभि में होना चाहिए। अगर ये नमक यहाँ पर आपने ऊपर डाला और नीचे नहीं डाला तो भी पेशेंट बर्न हो जाएगा, तो ये गलतियां मत कीजिएगा। इसी को हम गोल्डन रूल बोलते हैं। पहले नाभि के अंदर नमक जाएगा, फिर आप ऊपर से पेपर लगाएंगे, फिर आप नमक डालेंगे, फिर आप मोक्षा करेंगे, तो आप ज्यादा सुरक्षित होंगे। जब ये प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट हो जाएगी उसके बाद आप नाभि के अंदर नमक नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। ऊपर लेयर बनाने की टेक्निक आपको आनी चाहिए। जो लोग हमारे ऑनलाइन मार्क्सिबेशन के पूरे डिटेल प्रोग्राम में हैं, उनको हम सॉल्ट मार्क्सिबेशन, रेनेट मार्क्सिबेशन, नवल मार्क्सिबेशन, अब्डोमल मार्क्सिबेशन की डिटेल वीडियो भेज चुके हैं, कृपया उनको देख लीजिए। वैसी वीडियो आपको दुनिया में उतनी बारीकी से बताने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए उन वीडियो को बहुत गहराई से देखिए। वो प्रैक्टिकल वे में रियल पेशेंट के ऊपर शूट कर रियल टाइम में आपको दिया गया है, तो वो चीजें आप लोग देखेंगे। बाकी लोग जो हैं उनको मैं खास दो बातें बता देता हूं कि आप इस ढंग से कर सकते हैं, लेकिन इससे भी बेहतर चीजें और है, उसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन शुरुआती दौर में आपको नहीं करने चाहिए। ये सिर्फ जानकारी के हिसाब से लेना ज्यादा अच्छा रहता है। ये बॉक्स जो बताया गया था, इस बॉक्स मार्क्सिबेशन का प्रयोग कीजिए, लेकिन बॉक्स मार्क्सिबेशन भी नमक नीचे रहेगा, तो ये मत सोचिएगा कि बॉक्स रखते समय मुझे नाभि में नमक भरने की जरूरत नहीं है। तो गोल्डन रूल ये कहता है कि आप बॉक्स जो है वुडन बॉक्स वो रखेंगे रेनेट पे, लेकिन रेनेट के नीचे आपका नमक का दायरा बिल्कुल सिद्धांत के अनुसार रहेगा, जैसा बताया गया है वैसा ही आपको रखना है, उसमें कोताही नहीं करनी है। तो आज जो बातें हो रही है वो बिल्कुल क्लिनिक में काम करने के वो सारे नुस्खे बड़े आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जो देखने में आपको समझ में आ जाएगा, नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आराम से देखिएगा, समझ पैदा कीजिए, कोई डाउट होता है तो आप उसको लिखिए और अंत में प्रश्नोत्तर के समय चैट बॉक्स पर डाल दीजिएगा, रेखा जी हमसे पूछ लेगा, मैं और ज्यादा क्लियर कर दूंगा आपको। तो अब यहाँ पर गोल्डन रूल यही है कि बॉक्स के नीचे भी आपको नमक रखना है, बस इतना छोटा सा बात आपको ध्यान रखना है। 8 limbs of TCM, याद रखिए कि जो लोग एकुपंचर करते हैं वह सिर्फ 20% काम करते हैं, यानी एकुपंचर अपने आप में संपूर्ण नहीं है, TCM का एकुपंचर एक पार्ट है। ये जो 8 limbs कहलाते हैं, जैसे हमारे 2 हाथ और 2 पैर है तो हम 4 limbs वाले हो गए, इसी ढंग से अगर समझ लीजिए हमारे 4 हाथ होते और 4 पैर होते तो 8 limbs कहलाते हैं। तो आप इसको यूं समझिए, 8 चीजों से मिलकर TCM बनता है, जिसमें एकुपंचर एक नंबर एक पार्ट है, मॉक्सिबेशन उसका दूसरा पार्ट है, चाइनीज हर्बल मेडिसिन उसका तीसरा पार्ट है, ट्विना यानी बॉडी के ऊपर में हम एक तरह का मसाज करते हैं जिसकी इस स्टाइल से होती है, ये ट्विना कहलाती है, ची गोंग एनर्जी वर्क जो हमने आपको वीडियो दिखाया था उसमें आपने जो सुजोक वाले वो जानते होंगे, हम लोग पूरे मेरिडियन के फ्लो को एक एक्सरसाइज करते हैं, चीन के सारे पार्क इससे सुबह सुबह भरे रहते हैं, और ताइची किया जाता है हमारे योग में, जैसे हम प्राणायाम करते हैं वैसे ही ये ताइची होता है। डाइट एंड लाइफ स्टाइल इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है चाइनीज मेडिसिन का, और फेंग शुई जैसे हम वास्तु शास्त्र का इस्तेमाल करते हैं वैसे क्लिनिकल के कुछ रूल होते हैं,
मैं बार बार आप लोगों को बहुत बार बताया हूँ कि आपका एनवायरमेंट बड़ा मायने रखता है। अगर कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में जा रहे हैं, अगर फेंग शुई का ख्याल नहीं रखा तो आपका क्लिनिक नहीं चलता है। ज्यादा करके क्लिनिक को मैंने अस्त और व्यस्त देखे हैं। बड़े सस्ते खर्च में, बड़े कम मूल्य में भी आप उसको नेट एंड क्लीन रख सकते हैं। मैंने अपनी क्लिनिक का फोटो आपको दिया है इसीलिए कि आप एक क्लिनिक की समझ पैदा कर सकें। बहुत सस्ता क्लिनिक है मेरा, बहुत महंगा नहीं है, लेकिन उसकी लुक और एम्बियंस बहुत सुपर है। क्यों? क्योंकि वही हमें चाहिए। हमें महंगा क्लिनिक नहीं चाहिए, हमें काम जो है वो महंगा चाहिए। यानी काम का जो स्पंदन है, जो आदमी उस काम को देखे उसे लगे यार ये काम वाकई में करना जानता है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए अगर आप एक्यूपंचर क्लिनिक चलाते हैं। तो इन सारी चीजों को अवॉइड कर आप एक्यूपंचर में अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो जब भी मैं कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी की, आर्थेटिक और ऑर्थोपेडिक की बात करूंगा तो ये सारी चीजों का मैं अल्टरनेट भी देता हूँ और ये सारी चीजें देता हूँ। इसीलिए आपको हमारी हर बात को बहुत बारीकी से समझना है, किसी बात को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर मैंने कहीं पर कफिंग कह दिया या कहीं पर निडल मोक्षा कह दिया, कहीं पर कट मोक्षा कह दिया या कहीं पर प्लम बसम कह दिया, तो आप अपना दिमाग वहां पर कृपया कर मत लगाइएगा। बहुत बड़े बड़े सीक्रेट मैं बड़े आसान शब्दों में बोल रहा हूँ, तो आसान शब्द हैं लेकिन उसका अर्थ आसान नहीं है। इसलिए उन सारी चीजों को मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ कि कम से कम आप अपनी जिंदगी में उन सारी चीजों को उतार लीजिए और बिल्कुल वैसा काम कीजिए जैसा कि टीसीएम की डिमांड है। अब आपको जो टीसीएम के जो मूलभूत सिद्धांत है उसमें आप देखिए लिंगशु जो है वो चैप्टर 3 में एक बात लिखता है। इस बात को समझने से आप बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। ए डिसीज दैट मे नॉट बी ट्रीटेड is not successful treated, ये दोनों बात कहते हैं कि by acupuncture may be treated by moxibustion। तो सवाल उठता है कि moxibustion से मुझे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो जो उसके जो लिटरेचर है, उसके जो शोधक हैं, जो उस ग्रंथ के नायक हैं, जो उसके प्रख्यात गुरु हैं, उन लोगों की बात मैं उठा रहा हूँ, उनके कोट को उठा रहा हूँ कि वह कहते हैं कि कोई भी बीमारी जो ठीक नहीं किया जा सकता है या ठीक नहीं हो रहा है और एक्यूपंचर से उसमें लाभ नहीं हो रहा है, तो वैसी बीमारियों में मॉक्सिबेशन सबसे पहला चिकित्सा या सबसे पहली थेरेपी है। तो अब आपको बात समझ में आ गई। यानी इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान आपके क्लिनिक में अगर किसी रोगी को रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको मॉक्सिबेशन करना चाहिए। अगर एक्यूपंचर से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको मॉक्सिबेशन करना चाहिए। जैसे हम राधे श्याम कहते हैं, सीताराम कहते हैं, वैसे एक्यूपंचर एंड मॉक्सिबेशन एक साथ नाम लिया जाता है, अलग अलग नहीं लिया जाता है। इसलिए आप उसको जुदा करके एक्यूपंचर की कल्पना नहीं कर सकते अगर आप दर्द के रोगी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो। और 90% क्लिनिक तो आपके दर्द के रोगी के ही होते हैं। तो यह एक गोल्डन रूल है और यह मान के चलिए कि मुख्य सिद्धांत का एक पार्ट है। इंट्रोडक्शन टू मेडिसिन जो है वो कहता है व्हेन ए डिसीज फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू ए हाउट एन एक्यूपंचर। अब ये और आगे की बात करता है क्योंकि टीसीएम के जो 8 भुजाएं हैं उसमें से एक भुजा हर्ब्स है और हर्ब जो है टीसीएम का 50% कवर करता है और 50% में बाकी चीजें आती है। तो वह कहता है कि वह दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा है और एक्यूपंचर से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या देना है आपको, मॉक्सिबेशन इज सजेस्टेड। यानी व्हेन ए डिसीज फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू हर्ब्स एंड एक्यूपंचर, मॉक्सिबेशन इज सजेस्टेड। यानी एक्यूपंचर और आयुर्वेदिक की तरह जो भी हर्बल दवाइयां होती है उन दोनों से लाभ ना हो। तो इसमें आपको क्या डालना है कि अगर मॉडर्न मेडिसिन से भी आपको लाभ नहीं हुआ हो, एक्यूपंचर से भी लाभ नहीं हुआ हो, होम्योपैथी आयुर्वेदिक से भी लाभ नहीं हुआ हो, चारों तरफ के इलाज करा कर कर रोगी आपके पास आया है, तो आपको मॉक्सिबेशन करना है। और मैं आपको एक उसकी गहराई वाला राज बता देता हूँ। ऐसे रोगी को सबसे पहले आपको रेनेट पर मोक्षा करना है, उसके बाद ही निडल की शुरुआत करनी है। अगर चारों तरफ से भटक कर आए हुए रोगी को आपने निडल लगाया तो बॉडी और ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं देने वाली स्थिति में हो जाता है और साइंस पर नाम होता है। तो वहां पर क्या करना है, फिर बॉडी के बंद दरवाजे को खोलना है और मॉक्सिबेशन रेनेट पे देना है। उसके बाद 4 दरवाजे उनके खोलने होते हैं, LI4 और LIVER3 से वह निडलिंग उसके बाद स्टार्ट होती है, उसके बाद बाकी ट्रीटमेंट की शुरुआत होती है।
50 काइंड्स ऑफ मॉक्सिवेशन मेथड है, यानी इस वक्त पूरी दुनिया में और क्लिनिक में जो चीजें हो रही है पूरे भारत में, अभी तक हमने यही सीखा कि रोल मोक्सा होता है और दो चार छोटे मिनी मोक्सा होते हैं या सुजोक मोक्सा होते हैं। तो ज्यादा करके क्लिनिक में रोल मोक्सा को ही पूरा मोक्सा समझ लिया गया है, जबकि 50 प्रकार के मॉक्सिवेशन मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, और ये रिसर्च में और सारी किताबों में और सारे कोर्स में ये सब शामिल होते हैं। लेकिन इसकी चर्चा थोड़ी सी कम होती है क्योंकि ज्यादा करके लोग भारत में शुरुआती दौर से ही सिर्फ एक्यूपंचर को लेके बैठे हैं और उसकी पत्नी को भगा दिए हैं, और पत्नी उसकी है मॉक्सिवेशन, और बिना पत्नी के बच्चे कैसे आएंगे दुनिया में। तो सीधी सी बात है, अच्छे रिजल्ट के लिए संपूर्णता जरूरी है। तो और हमारे जो डिटेल प्रोग्राम है उसमें हम ये 50 के 50 प्रकार के टेक्निक सिखाते हैं। वो एक अलग कोर्स है जिसमें 50 काइंड्स ऑफ मॉक्सिवेशन टेक्निक्स एंड मेथड्स है, वो एक अलग प्रोग्राम है जिसमें हम सारी चीजें बताते हैं। हम अपने क्लिनिक में लगभग 50 के 50 चीजों का प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए हमने क्या किया है कि सारे ग्रुप में आप लोगों को 50 प्रकार से ज्यादा के फोटोज क्लिनिक के दिए हैं। लगभग 70-80 फोटो हमने क्लिनिक के दिए हैं जो रनिंग क्लिनिक से आपको दिए गए हैं, ताकि आपको वह चीजें बेहतर समझ में आ जाए और आपको काम करने का तरीका भी समझ में आ जाए, मॉक्सिवेशन के बारे में आपके विचार बड़े हो जाएं और आपको समझ में आए कि हाँ क्लिनिक में ऐसे ऐसे मॉक्सिवेशन किए जाते हैं। इसलिए मैंने अपने क्लिनिक में काम करने के सारे सीक्रेट रिवील कर दिए उन फोटो में, और बहुत क्लोज फोटो दिए, ये नहीं कि आपको भ्रमित करने वाले फोटो दिए, मैंने बहुत क्लोज फोटो दिए हैं जिसमें क्रिस्टल क्लियर सब कुछ दिखता है। अगर दिमाग का साधारण सा प्रयोग करेंगे और वेल ट्रेंड होंगे, नकल करके मत कीजिएगा। मैं गुजारिश करता हूँ, पेशेंट की जिंदगी से खेलने का अधिकार नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप सीखे हुए हैं गुरु से तब कीजिएगा, गूगल बाबा यूट्यूब बाबा वाले थोड़े से मेरे से दूर रहें और खुद को भी बर्बाद ना करें, वरना किसी न किसी दिन आप आफत में पड़ेंगे। इसलिए वेल ट्रेंड होना, गुरु ज्ञान होना जरूरी है। भारत में 200 से ज्यादा गुरु हैं, आप किसी की भी शरण में जाइए, लेकिन सीख लीजिए और सीख कर ही काम कीजिए। मैं एक मिनट के लिए ये वीडियो एक बार बंद करता हूँ, एक फोन लगातार आ रहा है। सर म्यूट हो गए आप। मैंने बोला अभी ये किसी का माइक खुला हुआ है क्या, क्योंकि मेरे को बार बार किसी की रिंग सुनाई दे रही है। तो ठीक है, जो पेपर है 1954 से 1954 टू 2007 तक चाइना में ये शो किया कि 364 प्रकार के 364 काइंड्स ऑफ डिसीजेज कैन बी ट्रीटेड विथ मॉक्सिवेशन। यानी जो शोध लगातार काफी लंबा शोध है, ये 1954 टू 2007 तक है, और उन्होंने यह बातें बताई कि 364 प्रकार के जो डिसीजेज है वह मॉक्सिवेशन से ट्रीट किए जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक्यूपंचर फील्ड कितना वास्ट है, इसमें ट्रीटमेंट देने की जो तरीके हैं अगर आपने ढंग से किए तो आपके क्लिनिक में आने वाले हर पेशेंट का इलाज आपके पास मौजूद है, और सारी चीजों में मॉक्सिवेशन का रोल होता है। लेकिन मॉक्सिवेशन और मोक्षा करने में अंतर होता है। मॉक्सिवेशन एक पूरी प्रक्रिया का नाम है, तो आपको पूरी प्रक्रिया आनी चाहिए, सिर्फ डंडी घुमा देना या मोक्षा जला देना मॉक्सिवेशन नहीं है। किताबों में और जो महान जो हमारे गुरु हैं TCM के, वो कहते हैं देयर इज नो नीड टू सी ए डॉक्टर इफ देयर इज 3 years मोक्षा। वो कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने 3 साल तक मोक्षा लिया है तो उसको किसी भी प्रकार के चिकित्सक के पास जाने की जरूरत खत्म हो जाती है। ये 3 साल को थोड़ा ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि इसको लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं हमारे एक्यूपंक्चरिस्ट। उनको लगता है कि 3 साल तक लगातार लेना, लगातार नहीं लेना। मोक्षा कभी भी लगातार नहीं दिया जाता है, एक्यूपंचर लगातार नहीं दिया जा रहा है। पूरे भारत के एक्यूपंक्चरिस्ट भयंकर गलती कर रहे हैं, लगातार 3-3 महीने तक
पेशेंट को निडल देते रहते हैं, जबकि निडल रोज देने की चीज नहीं है, मॉक्सा रोज नहीं दिया जाता है। मॉक्सिवेशन के टेक्निक्स बदलने होंगे, एक जैसे मॉक्सा नहीं दिए जाते हैं, एक पॉइंट पे नहीं दिए जाते हैं। एक रास्ता खोल के हमें दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ना होता है, एक प्रकार से दूसरे प्रकार के मॉक्सा में स्विच ओवर होना होता है। टेक्निक का हर पॉइंट के ऊपर में अलग अलग व्यवहार है, तो अलग अलग व्यवहार को लागू करना होता है। ये जो 3 ईयर मॉक्सा है, यहाँ पर आपकी काउंसलिंग का पार्ट आ जाता है। रोगी आपसे एक सवाल पूछता है कि मुझे आपके पास कितने दिन आना है या मैं कितने दिन ठीक हो जाऊंगा। तो पहला 20 डेज के बाद वह रोगी अगर क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जैसे अस्थमा का पेशेंट है, एलर्जी का पेशेंट है, स्किन डिसऑर्डर का पेशेंट है, लंग का पेशेंट है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पेशेंट है, तो वैसे रोगी को आपको बूस्टर ट्रीटमेंट पर रखना होगा। ये बूस्टर वर्ड को लिख लीजिए। पूरे भारत में बूस्टर ट्रीटमेंट कोई भी नहीं देता है, वो लोग खाली ट्रीटमेंट देते हैं जब तक पेशेंट ना भाग जाए। पेशेंट भागकर फिर उस डॉक्टर के पास वो वापस नहीं आता है, आएगा तो दूसरी बीमारी के लिए आएगा। और बूस्टर नहीं देना सबसे बड़ी गलती है। तो मैं डिटेल में बताऊंगा कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में कि आपको बूस्टर कैसे देना है, और जो लोग हमारे उस प्रोग्राम में नहीं जा रहे उनके लिए मैं अभी से बता देता हूं ताकि आप लोगों को फायदा हो। और वो फायदा ये है कि बूस्टर का मतलब ये होता है कि वकारिया सीड, आप नोट कर लीजिएगा बाद में, वकारिया सीड और मॉक्सीवेशन का बूस्टर और न्यूट्रिशन का बूस्टर लगातार आपको देना जरूरी है। वह 1 साल से 3 साल तक का हो सकता है। यह वे ऑफ लाइफ है। जैसे आप खाना रोज खाते हैं, एक्सरसाइज रोज करते हैं, तो पेशेंट ये पूछेगा आपसे कि मुझे ये कितना दिन करना है, तो आपका एक लाइन का जवाब होगा, जितने दिन आप ठीक रहना चाहते हैं उतने दिन कीजिए, जब से आप बीमार पड़ना चाहते हैं उस दिन से बंद कर दीजिए। आपकी काउंसलिंग परफेक्ट होनी चाहिए। रोगी ये सवाल करेगा कि आपके ट्रीटमेंट के बाद मैं कितने दिन तक ठीक रहूंगा, तो आपका सवाल होगा कि आज आपने भोजन किए हैं, कब तक आपको भूख नहीं लगेगी, आज आपने नींद ली है, कब तक आपको नींद नहीं आएगी, इस मौसम में सर्दी है, कब तक सर्दी वापस लौट के नहीं आएगी। हर चीज का एक पीरियड होता है। ट्रीटमेंट भी बूस्टर मांगता है, तो आपको रोगी को कहना है कि वकारिया सीड लगाने के लिए हर महीने एक बार आपको मेरे पास आना है। ये हुआ फार्मूला नंबर 1। दूसरी बात है, उसको घर में आगे चलकर बताऊंगा, स्पायरोमेट्री और रेस्पायरोमेट्री रोज करना है। नंबर 2, डिटॉक्सिफिकेशन उसको 4 बार करना है। लाइफ फोर्स एनर्जी ड्रिंक उसको पूरे साल तक करना है। वह चाहे तो शुरुआती दौर में ठीक होने के बाद अल्टरनेट डे पे भी कर सकता है। उसको लेने और करने के तरीके और डिटेल में हम बाद में बताएंगे, मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूं। एकुपंचर उसको हर महीने में 2 बार लेने के लिए आना है। मॉक्सीवेशन उसको हर महीने 2 बार लेने के लिए आना है। मैं 24 सिटिंग का 1 ईयर का आपको एक पैकेज बनाने की सलाह देता हूं। रोगी को कहिए कि जितने ट्रीटमेंट का आपने 20 क्लिनिक विजिट का जो पैकेज बनाया है, उतने का ही एक पैकेज बनेगा आपका, और वो बूस्टर ट्रीटमेंट होगा, और वह पूरे 1 साल तक मान्य रहेगा। क्योंकि आप 20 सिटिंग लगातार दे रहे हैं और 1 साल में भी आप 24 दे रहे हैं। बात बराबर? तो आपको एक पैकेज उसका वो बनाना है जिसमें प्रिवेंटिव रहेगा, यानी जो रिजल्ट आपने दिया है वह रिजल्ट टिका रहे। तो आपको मैंने कमाई का तरीका बताया, रोगी को ठीक रखने का तरीका बताया, रोगी के साथ टच रहने का तरीका बताया, काम करने का तरीका बताया, क्लिनिक चलाने का तरीका बताया, और आत्मसम्मान का तरीका बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आप चिकित्सक हैं और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और जब सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं तो काम सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, बूस्टर होना चाहिए। ठीक है, अब बूस्टर पे कोई डाउट हो तो प्रश्नोत्तर में पूछ लीजिएगा, मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब आता है एकुपंचर आफ्टर मॉक्सिवेशन करना है। प्राय लोग प्राय सवाल किए हमसे, सर एकुपंचर पहले करें या मॉक्सिवेशन पहले करें। अब मैं आपको मेरी सलाह मत मानिए, सवाल कीजिए, ऐसा क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक ट्रैफिक जाम है, तो क्या हम एक जो कोई वीआईपी आ रहा है
तो उसके लिए हॉर्न बजाने से रास्ता खुलेगा या रास्ता खुले हुए में हॉर्न बजाते हुए गाड़ी स्पीड से निकलेगी? रास्ता खाली रहेगा तो वह गाड़ी आराम से निकल जाएगी, वरना जाम में वो हॉर्न बजाती पीछे पीछे खड़ी रहेगी, लोग थोड़ा थोड़ा साइड होंगे और जल्दी से जगह नहीं मिलेगा। हिट जो होता है उसकी करेक्टर को समझिए, वह ऊपर की तरफ उठता है, वह डिस्पर्स होता है, वह फैलता है, वह हल्का होता है, वह ब्लॉक को खोलता है, वह धक्का देता है। तो सीधी सी बात यह है, आप मेरिडियन पे एनर्जी पे काम कर रहे हैं तो आपके मेरिडियन को, मेरिडियन को मतलब हो गया समझ लीजिए एक सड़क या ट्यूनल या एक पाइप समझ लीजिए, उसमें कचरा समझ लीजिए। हिट क्या करेगा, उसको एक्सपेंड करेगा, यानी पाइप को थोड़ा सा, अगर उस संकरा है तो उसको थोड़ा सा खोलेगा, खोलेगा तो फ्लो ज्यादा होगा, जो चीज गाड़ी है उसको रिलीज करेगा। हम क्या कहते हैं एकोपचर एकोपचर, स्टेग्नेशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मतलब हो गया रुकावट, चाहे ची की हो चाहे ब्लड की हो। और यह सिद्धांत मैंने आपको संक्षेप में बता दिया, ची हमेशा ब्लड के साथ ही ट्रेवल करती है, तो जब तक आपका ब्लड फ्लो नहीं करेगा ची फ्लो नहीं करेगा। हिट जो होता है वो उसको कैसे काम करता है, अब आपको समझ में आ गया। अब समझ लीजिए हम निडल लगाएंगे तो क्या होगा, हमें ऐसा हो गया कि ट्रैफिक जाम है और हम पीछे से हॉर्न बजा के गाड़ी में ठोक दिए तो गाड़ी थोड़ी आगे हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, मॉक्सीबेशन पहले करना है और निडलिंग बाद में देनी है। तो ये सारी बातें मुझे पेड प्रोग्राम के हिस्से में बताना था, लेकिन आप लोग इतने अच्छे लोग हैं कि मैं फ्री वाले प्रोग्राम में यह सीक्रेट रिवील कर पाऊं, ताकि आप लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें, चाहे आप मेरे प्रोग्राम में हो या ना हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी होगी, क्योंकि जब साइंस मजबूत होगा आप मजबूत होंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि एक रिश्ते में तो हम लोग आपस में भाई लोग तो हैं ही, है तो एकुपंचर का फील्ड तो हमारा रिश्ता तो है, रिश्ते को हम तोड़कर बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ची प्रोपगेशन इम्प्रूव्स इफ चैनल वार्म फॉर हाफ आवर बिफोर निडलिंग। याद रखिएगा, अब यहां पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट एक और है, आप लोग क्या करते हैं 20 मिनट की निडलिंग करते हैं और 2 मिनट मोक्सा डंडा को घुमा देते हैं। अब आपको सीक्रेट मालूम पड़ गया कि निडलिंग के आधा घंटा पहले मॉक्सीबेशन करना है। तो मॉक्सीबेशन के बाद एक चीज जो सीक्रेट बताई है, वीडियो आपको 28 और प्लस 11 वीडियो, इतने वीडियो आपको दिए गए हैं, तो उसमें यह सीक्रेट था जो आपने नजरअंदाज किया। चालाक लोग पकड़ चुके होंगे, जिनको नहीं पकड़ में आया वो वीडियो दोबारा देखिए। वहां पर हमने कहा था मॉक्सीबेशन करने के बाद पेशेंट को जाने नहीं देना है, उसको 10 से 15 मिनट सोए रहने देना है, नींद आ जाएगी और उसको गाभा उड़ा देना है, यानी उसको पूरा कवर कर देना है। अब वह शरीर तैयार है एकुपंचर के लिए, अब निडलिंग करेंगे आप। ये है राइट स्टाइल, इसीलिए क्लिनिक में 1 से 1.5 घंटा पेशेंट को लगेगा ही, 20 मिनट का क्लिनिक चलाने वाले को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, रिलीफ मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको रिलीफ में और रिजल्ट में अंतर करना आना होगा। रिलीफ वाला घर जाएगा फिर बीमार पड़ जाएगा, रिजल्ट वाला सालों साल तक आपके पास दूसरे रोगी को लेकर आएगा, वो दूसरा बीमार तो पड़ जाएगा लेकिन वो बीमारी उसको वापस नहीं होगी। तो रिजल्ट देना सीखिए, ठीक है। तो आपको निडलिंग के पहले मॉक्सीबेशन करना है और बेहतर मॉक्सीबेशन करना है, और मॉक्सीबेशन में टाइम कितना लगेगा यह आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। ऑर्थोपेडिक और आर्थराइटिक वाले इस सब को ध्यान से सुने, क्योंकि यह बेस बहुत मजबूत है, उनको इससे बाद वाली चीजें करेंगे, और कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी वाले के तो ये रहेगा ही रहेगा, तो ये सारे में होगा। तो अब आपको क्या करना है, एक सवाल आता है कि मॉक्सीबेशन कहाँ से शुरू करें, आगे दे, हाथ पे दे, पीठ पे दे, सर पे दे, तो इसका 4 सूत्रीय नियम है। इस नियम से करेंगे तो ठीक है, न भी करेगा तो भी चलेगा, लेकिन नियम मालूम होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फर्स्ट देन लोअर पार्ट। सबसे पहले हम अपर पार्ट में करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट लोअर में आते हैं, मिडिल में नहीं आते, उसके बाद पीठ पर पहले करते हैं, उसके बाद अब्डोमन पे करते हैं, ये दूसरे पार्ट में। और तीसरे पार्ट में होता है हेड फर्स्ट देन भुजाएं और पैर, और उसके बाद लेते हैं हम यांग चैनल को, और इन चैनल को हम सबसे लास्ट में लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारा सारा काम यांग चैनल पे ही ज्यादा होगा।
मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि जितने लोग कोर्स कर रहे हैं सब यीन का कोर्स कर रहे हैं। पूरे भारत में 100% कोर्स यीन डिसीजेज पे होता है, जिसके रोगी आपके क्लिनिक में है ही नहीं। आपके पास यांग डिसऑर्डर के हैं, यांग चैनल वाले हैं, आपको यांग चैनल का काम करना आना चाहिए। जहां रोगी है उसका कोई कोर्स नहीं है भारत में, और जिसके रोगी नहीं है उसके कोर्स भरे पड़े हैं, और यही कारण है कि रिजल्ट में दिक्कत आती है। तो रिजल्ट देने वाला बनिए, आपको साइंस की गहरी समझ होनी चाहिए, लेकिन साधारण शब्दों में होनी चाहिए। आपको मुख्य मुख्य बात पता होना चाहिए। कैसे, जैसे एक औरत फोन पे भी बात करते हुए कल एग्जांपल दिया, वो खाना बना रहती है कितना नमक कितना मसाला डालना है, लेकिन खाना कभी भी आदमी को घर का बोर नहीं लगता है। 50 साल का आदमी बचपन से आलू की सब्जी खा रहा है तो भी वो कभी नहीं कहेगा कि मैं तो खाते खाते बेस्वाद हो गया सब्जी, ऐसा नहीं होता है। जितनी बार बनाएगा उतना बार स्वाद लगेगा। लेकिन किसी आदमी को आप एक काम कीजिए, 1 महीने तक होटल में लगातार खिलाइए, वो कहेगा भाई साहब मेरे को घर का खाना खिला दो, मैं और नहीं खा पाऊंगा। 1 दिन ही होटल का खाना अच्छा लगता है, 1 महीना आदमी नहीं खा पाता है। तो आपको सरल चीजों को सरल भाषा में सिखाने के पीछे मकसद यह है कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। वो किताब का हिस्सा नहीं होगा, किताब का हिस्सा होगा तो आपको बार बार पढ़ना होगा। तो मैं चाहता हूं पढ़ना छूटना है, प्रैक्टिकल करना है, और आज से ही मेरी बातों को क्लिनिकल प्रैक्टिस में नियर एंड डियर में करना शुरू कर दीजिए। और लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया, वरना मैंने मौका पूरा दिया था, चाहे फ्री हो पेड हो, करिए, हमारे सामने लेकर आइए। अगर कोई कमजोरी होता तो हम अभी तक दूर कर चुके होते आपकी। संडे है, लेकिन संडे हमारा एक बड़ा कोर्स होगा, उसमें हम बहुत सारी चीजें करने की चेष्टा करेंगे, तो मैं बीच में अगर भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा। आप लोग स्टमक 36 पढ़कर आइएगा, सिर्फ एक पॉइंट, नोट्स आपको दिए हुए, सिर्फ एक पॉइंट पढ़कर आना है और कुछ नहीं। उस एक पॉइंट से मैं पूरे पॉइंट को समझने का, उससे बात करने का, उससे काम करने का, पॉइंट को कैसे याद करना है, उससे संपर्क कैसे बनाना है, उससे दोस्ती कैसे करनी है, उससे अच्छा बर्ताव कैसे करना है, उससे बुरा बर्ताव कैसे करना है, उससे बातें कैसे करनी है, उससे समझदारी कैसे बढ़ानी है, वो सारी चीजें एक पॉइंट के मार्फत मैं सिखाऊंगा, ताकि बॉडी के दूसरे पॉइंट को समझने का पढ़ने का तरीका आपको मालूम पड़ जाए। और याद रखिएगा, जब का मालूम पड़ जाता है तो चीजें आसान और सहज हो जाती है। तो स्टमक 36 को रविवार को पढ़कर आइएगा, तो बातें आपको बहुत समझ में आएगी कि पढ़ी हुई चीजों में भी आपको लगेगा अरे पढ़ने के बाद भी इतना गहराई है, अरे इतनी अच्छी चीजें हैं। तो पढ़कर आइए, पॉइंट का लोकेशन जानकारी कहाँ है, उसकी एक्यूरेसी जानिए, उसका लोकेशन जानिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि वो आधा घंटा मेरा खराब ना हो और मैं डायरेक्ट बात करूं इस पे कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। मैं लोकेशन ढूंढने में टाइम खराब नहीं करना चाहता, साधारण सा लोकेशन है और आपका काम हो जाएगा। मैं फोटो दिखाकर फिर आपको बाकी चीजें समझा दूंगा। फर्स्ट मॉक्सिबेशन लेफ्ट, देन मॉक्सिबेशन राइट। मॉक्सिबेशन का सिद्धांत होता है कि सबसे पहले हम लोग लेफ्ट में करते हैं और उसके बाद वो राइट में करते हैं। तो जब भी मॉक्सिबेशन की शुरुआत करेंगे, लेफ्ट पार्ट से शुरू करेंगे और राइट पार्ट में उसकी समापन करेंगे। यह भी अगर जिन लोगों को वो पहले 4 रूल में दिक्कत आती है तो वह ये सिद्धांत से चल सकता है। पेशेंट जहां भी जैसे भी लेटा है, सीधा लेटा है, उल्टा लेटा है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट बाजू पहले लेना है, राइट बाजू का बाद में लेना है। तो इस सिद्धांत से रिजल्ट में बढ़ोतरी होती है। When moxibustion, first moxibustion left and then moxibustion right. When mobilizing, keep the air flowing. याद रखिएगा, कल गुप्ता जी ने, मनीष गुप्ता जी ने बहुत अच्छा सवाल किया था कि उसमें हमको एयर का कैसे रखना है। तो जब आप ये सारे कार्य करें तो एयर जो है वो फ्लो में रहना चाहिए, बॉडी और माइंड शांत रहना चाहिए। याद रखिए, कॉस्मेटिक एंड बॉडी ट्रीटमेंट और एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट शांत का खेल है। मैंने सारे क्लिनिक में शोरगुल देखा है, और सबसे ज्यादा शोरगुल करने वाले खुद थेरेपिस्ट है। मेरे यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, 10-10 रोगी खर्राटे मारते हैं, मजाल नहीं है कि एक की भी साउंड आ जाए वहां पर। तो आपका रोगी 100% एकदम शांत मेडिटेटिव हॉल जैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। जो बातें करेगी कंसल्टेंसी की, अलग टाइमिंग, ट्रीटमेंट का अलग टाइमिंग, वहां पर बात नहीं होगा, मौनी बाबा बनना है आपको। एंड कीप द बॉडी एंड माइंड क्वाइट सो दैट द एयर फ्लो इवेंचुअली थ्रू आउट द बॉडी टू रिच द एंड ऑफ द लिम्स, ताकि मॉक्सिलेशन का एनर्जी का सारा प्रवाह पूरे शरीर के चारों लिम्ब तक पहुंचे। इसका मतलब साधारण सा है, सारे मेरिडियन की शुरुआत या तो अंगुलियों के पोरों पर खत्म होती है या शुरू होती है, तो वहां तक की यात्रा जरूरी होती है। तो एक्यूपंक्चर और मॉक्सिबेशन को ये यात्रा करवानी है, और उसके लिए पेशेंट का शांत रहना, उसके लेटने का पोजीशन, उसके ऊपर काम करने का पोजीशन आपको पता होना चाहिए।
90% क्लिनिक के चिकित्सकों को अपने पेशेंट को लेटाना नहीं आता है, और हम बात करते हैं चिकित्सक की। आपको सबसे पहले रोगी को लेटाना तो सीख लीजिए आप। निडर बहुत बाद की चीज है और ये गलतियां मत कीजिए। एक साधारण सी चीज है, लेटाना कैसे है उसके बारे में डिटेल वीडियो हमने दिया है, उसको ध्यान से देखिए कि रोगी को लेटाना कैसे है, उसको बैठाना कैसे है, उस पर काम कैसे करना है। प्राय रोग में मैंने चिकित्सक को देखा, थोड़ा सरकिए, थोड़ा इधर आइए, अरे क्या बात करते हैं, आप जाइए, वो आपका रोगी है। इसीलिए बेड कभी भी चारों तरफ से खुले होने चाहिए, आप घूमिए चारों तरफ, रोगी आपका तस मस नहीं होगा, उसको बोलिए लेटिए और सो जाइए, आप जाइए बेड के चारों तरफ, आपने पैसे लिए हैं उससे। रोगी बिल्कुल नहीं हिलेगा, लेटने के साथ साथ उसको नींद आ जाना चाहिए, अपना काम कीजिए आप। तो सबसे पहले आपको क्लिनिक चलाना, पेशेंट को डील करना, चिकित्सक होने का भाव जागृत करना, खुद को चिकित्सक समझना, आपका व्यवहार चिकित्सक जैसा बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, हीलिंग का मतलब टोटलिटी में है, हम कट करके, जैसे हम पूरे बॉडी का इलाज करते हैं, हम ऐसा थोड़े बोल सकते कि हम दाई आंख को ठीक कर दिए, बाई आंख को ठीक नहीं कर सकते, हम टोटलिटी में काम करते हैं। तो हीलर टोटलिटी में होता है, ट्रीटमेंट टोटलिटी में होता है। तो आपका इन्वायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इन्वायरमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जनरल पॉइंट्स एंड कंट्राडिक्शंस, नेवर यूज मोक्षावन एन इंडिविजुअल विद साइन ऑफ फुल हिट सजेज। अब जैसे कल बहुत सारे लोगों ने वो पूछा, इसलिए मैंने ये स्लाइड खास तौर पे दी है कि वो हाइपरटेंशन की बात करते हैं, जबकि हमारा कंट्राडिक्शन होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसकी जीभ को देखते हैं, अगर वो बहुत सख्त लाल होता है तो हम मॉक्सिलेशन नहीं देते हैं, अगर उसकी दिल की धड़कन तेज होती है इसीलिए हम लोग नब्ज देखते हैं तो हम लोग नहीं देते हैं, अगर उसको बहुत भयंकर रूप से प्यास लगता है और फीवर होता है तो नहीं देते हैं। हॉटनेस का मतलब ये है, हॉटनेस का मतलब हाइपरटेंशन नहीं है। हाइपरटेंशन का कल पूछा, चलिए मैं सीक्रेट रिवील कर देता हूं, जबकि ये मुझे इस कोर्स का ही वो हिस्सा नहीं है। किडनी वन पर काम करना बहुत जरूरी है, किडनी वन पे बहुत तगड़े तगड़े रिसर्च हुए हैं और हाइपरटेंशन में उसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखे गए हैं, लेकिन किडनी वन पे काम करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, उसी तरीके से आपको किडनी वन के स्टेबलाइजेशन करने होंगे, क्योंकि वो पैर के सबसे नीचे हिस्सा है, वहां पर पेशेंट को फेल नहीं होता है, तो भूल कर भी आप जला मत दीजिएगा। आपको उसके डायबिटिक स्टेटस पता होना चाहिए, बॉडी के पैरों की फ्लो पता होना चाहिए। सारे ऑर्थोपेडिक वाले को अब समझ में आया है कि हम उनका फिजिकल टेस्ट करने के लिए आपको क्यों बोलते हैं, उनके मोबिलाइजेशन करने के लिए आपको क्यों सिखाया गया है, उसके सारे मेरिडियन जो अंगुलियों के हैं उसको ढीला करने के लिए क्यों कहा गया है, अब आप लोगों को समझ में आ गया, कड़ियां जुड़ गई। तो याद रखिएगा कि जब जीभ लाल हो, पल्स तेज हो, प्यास ज्यादा लगती हो, फीवर हो, तो हमको मोक्षा नहीं देना है, और ऐसे रोगी को पहले डाइट मैनेजमेंट पे, डिटॉक्सिफिकेशन पे, दूसरी चीजों से पहले उसके बॉडी को क्लीन करना है, तब जाकर चाहे वो एक्यूपंचर हो चाहे मॉक्सिबेशन हो उसका इलाज शुरू करना है। 90% चिकित्सक लोग जैसे ही रोगी आता है पहले दिन से ही निडल ठोकना शुरू कर देते हैं या एक्यूप्रेशर देना चालू कर देते हैं। भाई साहब, एक्यूपंचर पॉइंट पे छोड़िए, एक्यूप्रेशर पॉइंट पे छोड़िए, उस आदमी के शरीर पे जहां हाथ लगाएंगे वो कहेगा आ दर्द हो रहा है, उसको डकार आनी शुरू हो जाएगी, और आप कहेंगे ये देखो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, अरे भाई साहब कहीं भी दबा दो उसको दर्द होगा, पूरा बॉडी दर्द में है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस आदमी का विटामिन डी स्टेटस चेक करवाना है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया आपको, विटामिन डी वाले चैप्टर में 1 घंटा लगेगा आपको बताने में कि विटामिन डी उनका कैसे बढ़ाएंगे, कैसे देखेंगे, क्या करेंगे। कोविड के बाद ये सिचुएशन बहुत विकराल रूप से है और विटामिन डी की समस्या लगभग मिलेगी, तो एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर वाले के क्लिनिक में इस टाइप के रोगी जम कराएंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने आने चाहिए, क्योंकि यह खेल की शुरुआत निडल से पहले विटामिन डी से होगी। उसका टेस्ट कैसे कराना है, उसको कैसे पढ़ना है, उसकी कौन सी दवा होती है, कैसे उसको बढ़ाना है, डाइट में क्या चेंजेस करेंगे, एक्सरसाइज में क्या चेंजेस करेंगे, वो सारी चीजें हम 1 घंटे में डिटेल आपको बताएंगे, ऑर्थोपेडिक एंड आर्थराइटिक पेन केयर वाले को, ठीक है, क्योंकि वो उसी का हिस्सा है। जनरल पॉइंट्स एंड कंट्राडिक्शन, पेशेंट विथ इम्पिटी हिट एंड कॉल्ड फिट। अब यहां पर हाइपरटेंशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस भी रोगी के हाथ और पैर ठंडे होते हैं, मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस आते हैं, उनको मोक्षा से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आपका जो सबसे प्यारा रोगी है जिसपे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वो कौन से मिलते हैं, जिसके हाथ पैर ठंडे होते हैं, वहां एक्यूपंचर से रिजल्ट नहीं मिलेगा। 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए,
दुनिया आधी घूम के आ गया, सारे गुरुओं के पास काम करके आ गया, अच्छे अच्छे लोगों के टच में हूँ, तो आपको मैं बता देता हूँ, धोखे में मत रहिएगा कि आप बहुत अच्छे एकुपंक्चरिस्ट है। सिद्धांत दुनिया में एक ही चलता है, चांद चांद ही रहता है, नाम उसका चांद रख दीजिए या मून रख दीजिए, साइंस नहीं बदलता है। तो एकुपंक्चरिस्ट बड़ा नहीं है, एकुपंक्चरिस्ट जिस सिद्धांत को लागू करता है वो बड़ा है। तो खंडेलवाल हो चाहे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हो, सारे बेकार हो जाएंगे अगर वो TCM के सिद्धांत की अनदेखी करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक खास बात मैंने पॉइंट को उजागर कर दिया, ताकि बहुत बार मैं पॉइंट के बारे में बताऊंगा, ताकि जो लोग अभी जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा और मदद मिल जाए। तो ऐसे लोग चूंकि आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग दर्द का क्लिनिक चला रहे हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बता दिया है। तो एक पॉइंट थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइपरटेंशन के रोगी पे सिर्फ किडनी वन के अच्छे ढंग से मोक्षा करना आना चाहिए, और दूसरा जिसके हाथ पैर ठंडे होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, उसके पेशेंट को Liver 3 पर मोक्षिवेशन से शुरुआत करनी चाहिए। प्राय किताबों में ये बातें लिखी गई है कि Liver 3 करने से ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, इसमें स्टिमुलेशन नहीं किया जाता है, तो Liver 3 से लोग थोड़ा डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से मोक्षिवेशन कीजिए, फिर उसके बाद इस पर निडल लगाइए। यह एक वन ऑफ द बेस्ट गेट है जो आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है। अगर Liver 3 के साथ Li4 Stomach 44 को कंबाइन कर देते हैं हम पेन मैनेजमेंट में, तो यह दर्द निवारक एक अच्छा प्रोटोकॉल भी साबित होता है। तो आप लोग इस चीजों को ख्याल रखिए। अब आते हैं जनरल पॉइंट्स एंड कंट्राडिक्शन को और अच्छे से समझते हैं कि डोंट यूज मोक्सा इफ पेशेंट हैज हाइपरटेंशन और अदर यंग राइजिंग सिम्टम्स unless they are fit are called and apply moxa only to their fit। तो शुरुआती दौर में जो लोग हाइपरटेंशन पे काम कर रहे हैं, कल और परसों के क्लास में लोगों ने हाइपरटेंशन पे और डायबिटिक पे सवाल किए थे, इसलिए आज के स्लाइड में और चेष्टा करेंगे कि बाद के स्लाइड में भी अगर हुआ तो हम डायबिटिक के बारे में, अगर नहीं हुआ तो रविवार को हम डायबिटिक फिट के ऊपर से शुरू करके फिर बाकी प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो इस दो चैप्टर के बारे में शुरुआती जो चीजें हैं दिमाग में रखिए, एक होता है शुरुआती दौर के चिकित्सक, एक होता है अनुभवी चिकित्सक, और एक होता है वेल ट्रेंड चिकित्सक। तो सबसे पहले आप अपनी भूमिका देखिए, अगर आप लास्ट वाले दो हैं तो आप हाइपरटेंशन और डायबिटिक पे काम करेंगे, अगर आप पहले वाले कैटेगरी के हैं तो आप डायबिटिक के पेशेंट और हाइपरटेंशन पे तब तक काम नहीं करेंगे, ना तो एकुपंचर से करेंगे, ना एकुप्रेशर से करेंगे, ना मोक्षिवेशन से करेंगे, तीनों से नहीं करेंगे। सबसे पहले उसके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के प्रोग्राम को करते हुए, उसको अच्छी काउंसलिंग देते हुए, उसकी पूरी एक महीने तक मॉनिटरिंग करते हुए, उसके होम केयर की बिल्कुल सलाह देते हुए, पहले एक महीने में उस हाइपरटेंशन को डायबिटिक को रिवर्स करेंगे, और हमारे प्रोग्राम में आराम से हम 7-8 दिनों के अंदर अंदर ये रिवर्स करने में सफल हो जाते हैं। तो वह रिवर्स करने के बाद ही आपको बाकी प्रोग्राम की शुरुआत करनी है। खेत में हल जोतने के बाद ही बीज रोपा जाता है, अगर जमीन उर्वरक नहीं है, जोता नहीं गया है, तो बीज का लाभ नहीं है। तो आप सबसे पहले 3 कैटेगरी में खुद को डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद ही हाइपरटेंशन में, कार्डियक पेशेंट में और डायबिटिक में हाथ लगाइएगा। लेकिन बात मोक्षिवेशन की नहीं, एकुपंचर एकुप्रेशर की भी है। अब मैं आपको जिस दिन हमारे बाकी ग्रुप ने तो कर लिया है, नए लोगों ने नहीं किया है, डायबिटिक के ऊपर हमारा 4 घंटे का क्लास होता है, हमारे साथ डॉक्टर सुधीर जैन जी जो भारत में एशिया के नंबर 1 डायबिटिक लेग के डॉक्टर हैं, उनके साथ जो अनुभव है उसके बारे में बताया है कि हमारे एकुप्रेशर के चप्पल से और एकुप्रेशर वालों से पूरे भारत में अब तक हजारों पैर काटे जा चुके हैं उनकी गलतियों से। ये किस्मत वाले हैं वो लोग कि वो लोग बचे हुए हैं। याद रखिएगा कि जिस चीज की जानकारी नहीं है वो आपको, अनाड़ी आदमी बहुत बड़ा रिस्क ले लेता है। तो अगर आपको डायबिटिक फिट के बारे में जानकारी नहीं है, डायबिटिक फुट के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपने हाथ लगा दिया तो सीधी सी बात है पेशेंट 10-15 दिन बाद छोटे छोटे उन चीजों में फंस जाएगा, और 1 महीने बाद वो आपका क्लिनिक छोड़ देगा, और 15-20 दिन बाद उसको वो सारे सिम्टम आएंगे जहां पर उनको पैर कटवाने पड़ते हैं। और पूरे भारत में हर 30 सेकंड में पैर का डॉक्टर एक बार हाथ लगाता है, और याद रखिएगा जिसके पैर कट जाते हैं 50% आदमी 5 साल के अंदर मर जाते हैं।
इस बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा। डायबिटिक लोगों पे प्रोग्राम हो चुका है, लेकिन अगर मुझे समय मिला रविवार को तो मैं थोड़ा सा जिस्ट देने की चेष्टा करूंगा कि एकुप्रेशर एकुपंचर वाले वो ना देना ना करें कि वो किसी लीगल केस में फंस जाए। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता, और इसलिए आप लोग सावधानी रखिएगा। डायबिटिक वाले लेग के मामले में उस पर मसाज मत दीजिएगा, एकुप्रेशर मत दीजिएगा, एकुपंचर मत दीजिएगा, जब तक उसका डायबिटिक स्टेटस रिवर्स में ना आ जाए या उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी या लेग के कोई भी ब्लड फ्लो की समस्या की रिपोर्ट आपके पास ना हो, उसके लेटेस्ट डायबिटिक स्टेटस ना हो। डायबिटिक वाले से जब भी पूछेंगे तो कहेगा नहीं मेरा रिपोर्ट तो ठीक है, अभी कराया था। रिपोर्ट मंगाएंगे तो जो अभी बता रहा है वो एक साल पुरानी रिपोर्ट है, अभी का मतलब होता है आज की। डायबिटिक टेस्ट कैसे कराना है, उसका एक पैमाना होता है, उसको हम लोग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट पे HbA1c और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट चाहिए। फास्टिंग वगैरह कर कर अपना टाइम खराब ना करें। फास्टिंग की रिपोर्ट ज्यादा मायने क्लिनिकल ट्रीटमेंट के दौरान नहीं रहती है। पीपी से ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो एक बार जरूर होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से टेस्ट कराने हैं और कौन से टेस्ट देखने हैं। तो याद रखिएगा, जो हाइपरटेंशन और दूसरे यंग राइजिंग सिम्टम्स जो अभी आपको बताया था, उसमें तभी आप कीजिएगा जब उसके पैर और हाथ ठंडे हों। अगर वो गर्म हो और हाइपरटेंशन हो तो आपको एक बार मोक्सा एकुपंचर एकुप्रेशर सारे को अवॉइड करना है, सारों को, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट देना है। तो आपको अपनी लिमिटेशंस और काम करने की शैली मालूम होनी चाहिए। आने के साथ साथ हम किसी को थप्पड़ नहीं मारते, पहले गुस्सा होते हैं, पहले नाराज होते हैं, फिर जब बात सर से पानी बह जाता तब हम किसी को पीटते हैं। तो शरीर को तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, पहले उसको पुचकारने की, उसको समझने की जरूरत होती है। तो सारे लोग जो गलती करते हैं ना करें। आने का किसी रोगी का आपके पास आने का मतलब नहीं है कि नीडल लगाना चालू कर दे, एक्यूप्रेशर करना चालू कर दे। ट्रीटमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, वो आपको आने चाहिए, और सारे वो इसी TCM एकुपंचर का ही हिस्सा है, एकुप्रेशर का ही हिस्सा है, वो सारे आपको पता होने चाहिए। अब एमोक्सिसिलिन इज ऑफ्टन यूज्ड टू ट्रीट डिफिशिएंट एंड कोल्ड कंडीशन। याद रखिएगा कि जिसमें जो भी चीज में एनर्जी कम होती है और जो भी कोल्ड कंडीशन होते हैं उसमें मॉक्सीबेसन 100% लागू होता है, इसमें 99 का खेल नहीं है। पीपल हु सफर फॉर कंस्टेंट सर्कुलेशन और कोल्ड फीलिंग इन हैंड्स एंड फीट कैन ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम मॉक्सीबेसन। और याद रखिएगा, हाइपरटेंशन के पेशेंट, डायबिटिक के पेशेंट ठंडे हाथ पैर के आएंगे आपके पास, दर्द वाले रोगी ठंडे हाथ पैर के आपके पास आएंगे। इसीलिए अब आपको समझ में आ गया कि हमने आपको मोजा और टाइल्स का रूल क्यों बताया था। अब सारे को लिंक करते चलिए, हमारी बताई हुई बातों को जोड़ते चलिए गोल्डन रूल में। तो हमने साधारण बातों में मोजा बता दिया, लेकिन मोजा का अर्थ था उस टाइल से वापस ठंडक बचाना, क्योंकि हम कोल्ड कंडीशन में काम कर रहे हैं, हम उसको वार्म कर रहे हैं। तो वार्म को बनाए रखने के लिए हमें मोजा पहनाना जरूरी है या चप्पल पहनाना जरूरी है। इसलिए आपकी काउंसलिंग में ये बात शामिल होगी, जो रोगी जब तक आपसे इलाज कराएगा तब तक उसको अपने घर के अंदर और बाहर उसके पैर जमीन पे नहीं आएंगे, वो लगातार चप्पल पे, यानी बिस्तर से पैर नीचे आएगा तो चप्पल में होगा या मोजे में होगा, क्योंकि अब ठंड आ रही है सामने। तो जब तक किसी भी दर्द के रोगी का इलाज चलेगा, पूरी सर्दियों में उसका पैर जमीन पे नहीं आएगा, तो उसको नहीं वर्ड को आपको कैसे बताना है ये बता देता हूं। आपको उनसे सवाल कर रहे हैं, क्या आपको मुझसे ठीक होने के बाद वापस बीमार पड़ना है क्या? वो कहेगा, अरे वापस क्यों बीमार पड़ना है? बोला, वाह आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं खुश हुआ आपके आंसर से। अब एक बात बताइए, एक बार अगर आप ठीक हो गए, आपका दर्द चला गया, घुटना दर्द कमर दर्द आपका ठीक हो गया, तो क्या आप चाहेंगे कि ये दोबारा आ जाए और उससे ज्यादा खतरनाक रूप में आ जाए? तो कहेगा नहीं। तो बोला, उसके लिए एक काम कीजिएगा, इसको आने मत दीजिएगा। अब रोगी आपसे सवाल करेगा, नहीं आने देने के लिए क्या करना है? क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया तो रोगी नहीं मानेगा। तो बोलेगा, तब आप उसको बताएंगे, महारानी की तरह रखिए, इस पैरों को जमीन पर मत रखिएगा वरना मैले हो जाएंगे, आप तो महारानी है। तब उसको संगमरमर का सिद्धांत समझाइए कि आप टाइल्स और संगमरमर, एक बात बताइए, रात को क्या इस पे बैठ सकते हैं? पुराने जमाने में तो हम लोग घर में मेहमान भी आते थे तो फर्श पे बैठ जाया करते थे,
तो एक बात बताइए, क्या उस पर बैठा जा सकता है? बच्चे को खेलने दिया जा सकता है? आपके बच्चे तो बालू में ही खेले होंगे, जमीन में ही खेले होंगे, बोले वो बताइए। हाँ, बोला कभी बीमार पड़ा? बोला नहीं पड़ा। बोला एक बात बताइए, अपने घर में अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं क्या? तो बोलेगा नहीं छोड़ सकते। बोला क्यों? बोला बीमार हो जाएंगे। बोला बस यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर पैरों को रखेंगे, पैर में फिर ठंडक पकड़ लेगा, और फिर जितना रिजल्ट आपको मिला है वह फिर खराब हो जाएगा और आपको मेरे पास दोबारा आना पड़ेगा। अब पेशेंट को बात समझ में आएगी। तो इसलिए पेशेंट को नकारात्मक बातें और आदेश कभी ना दे, वार्तालाप की शक्ल में काउंसलिंग दे। लोग प्राय आदेश देते हैं, पैर जमीन पे मत रखिएगा, मोजा पहन कर रहिएगा, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। वो आदमी पैसा देने वाला, वो सुनेगा, मुस्कुराएगा, चल देगा और वो सारी चीजें करेगा। अगर वो दर्द बढ़ गया और वो कहता है मेरा दर्द बढ़ गया, तो पहला सवाल कीजिए, ठंडा पानी पिया था क्या? पैरों को जमीन पर रखा था क्या? किचन में खड़े होकर काम किया था क्या? मौसा आपको जो बताया था वो आपने किया या नहीं किया? तब वो बताएगा हाँ नहीं हुआ, गलती तो हो गई। तो बोला आइए और बूस्टर ले लीजिए, ट्रीटमेंट ले लीजिए, नहीं बोलना है, बूस्टर ले लीजिए, क्योंकि आपने उसको चिकित्सा दे रखी है, तो बूस्टर देना है आपको। और बूस्टर में हम मॉक्सीबेशन की बूस्टर और वकालिया सीड की बूस्टर देते हैं। क्लियर? अब आपको प्रोटोकॉल, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, ये चीजें समझ में आ रही हैं। आगे चलकर जब हम चैप्टर की बात करेंगे कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी के, तो ये सारी चीजें बेस बनेगा। और जो लोग आर्थराइटिक, ऑर्थोपेडिकल और रूमेटॉइड आर्थराइटिक के पेन प्रोग्राम में हैं, उनके लिए भी ये काम में आने वाला है। जो लोग हमारे प्रोग्राम के हिस्सा नहीं है उनके लिए भी बहुत जबरदस्त जानकारी है, तो उनके क्लिनिक में उनका रिजल्ट बढ़ने जा रहा है। और कल भी दो तीन लोगों ने बोला कि उन्होंने ये मॉक्सीबेशन दिया और पेशेंट तो उठ के चलने लगा, और 500 रुपये भी उनको इनाम में दे दिए। तो भगवान करे आप सबको 2-2 हज़ार नोट के इनाम में मिले या रिजल्ट में दे। अब सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को ऑर्थोपेडिक वाले को सिखाया गया है, ब्यूटी वाले को सीखना है। वॉश और बाथ और वाटर, ये तीन रूल के बारे में क्वेश्चन एंड आंसर के वीडियो में दे चुका हूँ, जिसमें डिटेल बताया गया है, आपको ध्यान रखना है। डोंट वॉश और बाथ इन कोल्ड वाटर विद इन हाफ एन आवर आफ्टर मॉक्सीबेशन। तो रोगी को हमेशा प्राय क्या गलती करते हैं ज्यादा करके, मैंने जब एक उपज्योष से भारत के पूछा कि मॉक्सीबेशन के गंध को दूर करने के लिए आप रोगी को क्या सलाह देते हो, कहते हैं घर जाकर स्नान कर लीजिएगा। अरे सारा तो गुड़ गड़बड़ कर दिया आपने। रोगी को स्नान कर कर बुलाएंगे अपने पास, ये रूल है, गोल्डन रूल, दिमाग में रखिएगा। रोगी स्नान करके गर्म पानी से नहाकर आपके पास आएगा, दर्द के रोगी, और हॉट टब में, बाल्टी में पूरे पैर को डुबा के 2 बाल्टी पानी जब तक ठंडा नहीं हो जाए तब तक डालकर तुरंत आएगा। ये नहीं कि वो कर लिया और उसके 1 घंटे बाद आ रहा है, करना है और आपके क्लिनिक में आना है और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होना है। ये गोल्डन रूल है एक्यूपंक्चर के लिए, बॉडी को प्रिपेयर करने का, तब रिजल्ट मिलता है। दूसरी बात है, जो कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में जाएंगे उन लोगों को भी यह काम करने होंगे और उनको ध्यान देना होगगा और बताना होगगा। अगर वो भी पेडिक्योर, मेनिक्योर वगैरह करते हैं, तो वो सारी चीजें आप पहले कर लीजिए और उसके बाद फिर मॉक्सीबेशन का प्रोग्राम कीजिए। अगर कोई भी ट्रीटमेंट उस टाइप का करते हैं और वो कहते हैं हमें कहीं मेहमान कहीं जाना है, पार्टी उटी में जाना है, तो उस दिन उसकी मॉक्सीबेशन ना करें, क्यों? बॉडी से हल्का एक स्मेल रहता है, वह फिर उनको हो सकता है कि सामने वाले को पता नहीं है ट्रीटमेंट लेना है और आपका रोगी वहां असहज महसूस करे। तो अगर उसको कहीं जाना है तो वो आपको उसके कपड़े पहनने के अंदाज से, उसके बात के अंदाज से पता पड़ जाएगा कि कहीं जाने वाला है। रोगी को काउंसलिंग के दौरान ही ये बातें बता दीजिएगा, लेकिन कंसल्टेंसी में ये बातें नहीं बताने की होती है, यह काउंसलिंग में बताने की जरूरत होती है कि जिस दिन आप कहीं बाहर जाए उस दिन मॉक्सीबेशन मत करवाइएगा। हाँ, और स्नान जो है वो कर कर ही मॉक्सीबेशन कराने से लाभ होता है, ये शब्द बोलेंगे तभी वो स्नान करके आएगा, वरना पानी छिड़क के, जिसको कौवा स्नान कहते हैं, वो करके आ जाएगा कपड़े बदल के। हमें बॉडी पे गर्म पानी का स्नान चाहिए और उसको कहिएगा आधा घंटा स्नान करते हैं। बहुत सारे लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय में उनका स्नान हो जाता है, वैसा स्नान नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको कहना है आधे घंटे तक बढ़िया से शावर करके एकदम बिंदास होकर आपको आना है और उसके बाद ट्रीटमेंट लेना है। तो मॉक्सीबेशन में यह ध्यान रखिएगा, और पेन मैनेजमेंट वाले को तो यह ध्यान बिल्कुल ही रखना है। वॉश, बाथ और वाटर याद रखिएगा, पानी का नियम रहेगा। प्राय लोग, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला थर्स्टी, अब आप लिंक कीजिए सारे सिद्धांत को।
हमको प्यासे रोगी एकुपंचर में और मॉक्सिलेशन में नहीं चलेगा, किसी हालत में नहीं चलेगा। और सारे लोग बोलते हैं पानी ज्यादा पियो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एकुपंचर से हम जो टॉक्सिन्स निकालते हैं वो टॉक्सिन्स फिर जॉइंट में इकट्ठा हो जाते हैं और जॉइंट के रोगी आपके पास आ रहे हैं, यानी आप चिकित्सा करके उसके जॉइंट में और बढ़ा रहे हैं। इसीलिए बहुत बार रोगी बोलता है मेरा दर्द बढ़ गया, टॉक्सिन्स तो पहले ही जॉइंट में है, आपने चिकित्सा दिया तो और टॉक्सिन्स निकले, आप पेशेंट पानी पीता नहीं है, सोचता बाथरूम जाना पड़ेगा, और टॉक्सिन्स निकलने के बजाय और डिपॉजिट हो गया और पेन एग्रीवेट हो जाता है। इसलिए बहुत सारे रोगी कहते हैं पहले तो दर्द 50% था, आपसे इलाज करा के तो मेरा दर्द और 60% हो गया, बढ़ गया। तो रोगी का पानी पी कर आना, मैंने आपको मेरे क्लिनिक का रूल बताया कि रोगी को घर से कहता हूँ चलने के पहले पानी पीना, आने के साथ साथ हम एक बोतल पानी देते हैं, पहले वो बाथरूम जाता है फिर मेरे क्लिनिक के अंदर प्रवेश करता है, ये सिद्धांत हम आपको सिखा चुके हैं। तो पानी की बोतल रोगी को देने का नियम बना लीजिए, गिलास रखिए और पानी का मर्तमान आपके क्लिनिक में होना चाहिए। रोगी सबसे पहले आकर पानी पिएगा, चाहे वो कितना भी पी कर आया, पी कर उसको बाथरूम जाना है चाहे कितना भी गया, क्योंकि हमारे यहाँ 1 घंटा लग जाता है, फिर रोगी बीच में कहता है मैनु बाथरूम जाना है, तो बीच में श्रृंखला टूट जाती है, तो हम कहते हैं हम बीच में नहीं उठने देते हैं। अगर बाई चांस कुछ रोगी यूटीआई वाले यूरिनरी इन्फेक्शन वाले होते हैं या डायबिटिक होते हैं, बार बार पेशाब लगता है, तो उसको हम पहला बेड देते हैं ताकि बाथरूम वो तुरंत जाकर आ जाए, डिस्टर्ब ना हो, और चप्पल में ही सारा होना है। तो आपको बाथरूम भेजना भेजना है, पानी पिलाना पिलाना है, और रोगी को सलाह में पानी वाली सलाह से ज्यादा महत्वपूर्ण ये देना है कि आप मुझे बताइए आप कितने बार बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं। तो उनको जो है वह नियम उल्टा बताना है कि आपको 5 से 6 बार आपको यूरिन पास करना है, 5 से 6 बार यूरिन पास कर तभी होगा जब वो पानी पिएगा, वरना पानी पीने की काउंसलिंग सक्सेसफुल नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, भारत में तो बिल्कुल नहीं है। वो कहेगा हाँ पानी पीते हैं जी, जम के पीते हैं, पीते ही रहते हैं, दिन भर पीते रहते हैं, जब पीते हैं तो फिर निकलता क्यों नहीं है, यूरिन कितनी बार जाते हैं, चोरी पकड़ में आ जाएगी। तो आपको अब क्या बोलना है, यूरिन कितनी बार जाते हो, तो आपका सिद्धांत आपको बदलना होगा रोगी के हिसाब से, तब आप ज्यादा सक्सेसफुल चिकित्सक बन पाएंगे, एकुपंचरिस्ट बन पाएंगे, हीलर बन पाएंगे, थेरेपिस्ट बन पाएंगे। मॉक्सिलेशन फॉर 10 डेज इज मोर इफेक्टिव देन टेकिंग मेडिसिन फॉर 1 ईयर। ये TCM कहता है कि 1 साल दवा लेने की तुलना में 10 दिन का मॉक्सिलेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन मॉक्सिलेशन जो स्टिक से हम देते हैं वैसा मॉक्सिलेशन नहीं, उसको बाकायदा मॉक्सिलेशन मसाज एक स्पेसिफिक टेक्निक है जिसमें अलग प्रकार के मोक्सा का इस्तेमाल होता है, उसी टेक्निक से देना होता है, और उस टेक्निक का हम लोग अपने क्लिनिक में 1200 रुपीज लेते हैं, हाईली पेड प्रोग्राम है, और रोगी एक बार लेने के बाद वेटिंग लिस्ट में नाम लिखाकर यह सारे ट्रीटमेंट लेता है, वो एक दिन भी मिस नहीं करता है, एकुपंचर मिस कर जाता है लेकिन हमारा सैटरडे मिस नहीं करता है, वो अपना सैटरडे को दूसरे प्लान कैंसिल कर देता है हमारे मॉक्सिलेशन के लिए। तो आपको राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट आना चाहिए। तो 10 दिन का मॉक्सिलेशन जो है वो 1 साल की दवाइयों से ज्यादा इफेक्टिव होता है, ऐसा TCM कहता है, और ऐसा रिजल्ट हमने अपने क्लिनिक में भी देखा है। तो आपको सही ढंग से काम करना आना चाहिए। लिंग शू गुआन ने वो कहते हैं कि नीडल डज नॉट वर्क, मॉक्सिलेशन डज। इसका गहरा अर्थ है, इसका गहरा अर्थ यह है कि मॉक्सिलेशन जो है वो काम करता है, निडल काम नहीं करता है, निडल सिर्फ माध्यम है, जैसे एक नाला है, पानी बह रहा है, बंबू काम नहीं करता है, बंबू अवरोध हटाता है, काम क्या करता है, जो पानी पीछे मारते हैं ना आप, वो पानी फिर साफ करता है। कंसेप्ट को गहराई से समझिए, ये नेगेटिव बात नहीं है, एक पॉजिटिव बात है, लेकिन बड़े गहरे अर्थों में। देखिए पूरा TCM गहरे अर्थों में, ये फिलोसॉफिकल सिद्धांत जैसा सिद्धांत है, ये धार्मिक अनुष्ठान जैसा सिद्धांत है। इसीलिए TCM हर किसी के लिए कहा नहीं गया है, वो कहा गया जो धार्मिक होगा वही एकुपंचर और प्रेशर और मॉक्सिलेशन के फील्ड में आएगा, TCM के फील्ड में आएगा। तो नीडल डज नॉट वर्क, मॉक्सिलेशन डज, क्योंकि मॉक्सिलेशन वो फ्लो को करता है, ये धक्का देने का काम करता है, रास्ते को खोलने का काम करता है। तो जो मेन काम है वो मॉक्सिलेशन का है, निडल जो काम है वो एक औजार का है। तो TCM3 होल्ड दैट मॉक्सिलेशन हैज ए ड्यूअल इफेक्ट, क्यों,
पहले मैंने बताया ये डिफिशियंसी डिसीज, तो सारे रोगी तो दर्द वाले आपके पास डिफिशियंट वाले आते हैं, तो उसको टॉनिफाई कौन करता है? मॉक्सीवेशन करता है। और प्योरिफिकेशन कौन करता है? मॉक्सीवेशन करता है। नीडल उसमें मदद करता है। क्लियर? कंसेप्ट के पीछे का चीज समझ जाइए और 3 सेंटीमीटर रूल को ध्यान में रखिए। The gap between the burning moxa roll and the acupoint selection is above 3 centimeter. यानी बॉडी से 3 सेंटीमीटर की दूरी मानी गई है कि आपको रखना है। याद रखिएगा, लेकिन हिट की चैनल नहीं तोड़ना है। लोग जो गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, वो मोक्सा लिया, ऐसे हिलाया, फिर इधर ले गया, ये कड़ी टूट गई है मोक्सा की, अब ये मॉक्सीवेशन नहीं है। मोक्सा की कड़ी नहीं टूटेगी, इसकी लो की कड़ी नहीं टूटना चाहिए। इसलिए कल मैंने आपको वाइब्रेशन को फील करना सिखाया। सेम वाइब्रेशन आपको मोक्सा में हासिल होगा, जैसा हम निडल में देची कहते हैं। उस वाइब्रेशन को बिल्कुल टूटने नहीं देना, टूट जाएंगे तो फिर नया वाइब्रेशन क्रिएट करने में आपको फिर 5-7 मिनट नष्ट होगा आपका। द मोक्सोलॉजी मूव्ड अप एंड डाउनवर्ड्स, ये टेक्निक कल आपको सिखा दी थी हमने। द क्लाइंट शुड फील वार्म्थ बट नॉट स्कॉर्चिंग, यानी उसको जलन महसूस नहीं होना चाहिए, उसको गर्माहट महसूस होनी चाहिए, ये दिमाग में रखिएगा। अब एक सिद्धांत है जिसका लोग थोड़ा सा गलत ढंग से उसका व्याख्या करते हैं, उसको भी मैं समझा देता हूं। 5 to 7 minutes per point rule. Usually a moxibustion treatment can be executed within 5 to 7 minutes per point. 5 to 7 minutes per point का मतलब लगातार per point नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। It depends upon the age and condition of the patient. तो आप अगर इसको स्ट्रिक्टली रूल कर देंगे तो किसी पेशेंट को चला भी देंगे। तो आपको जो 5 से 7 मिनट का रूल है, याद रखिएगा, 10 पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 70 मिनट तो आपके ऐसे ही चले जाएंगे। फिर तो बाकी काम कब करेंगे आप? तो 5 से 7 मिनट का है कि टोटल पॉइंट का भी ख्याल रखना है। और अगर आप किसी पॉइंट पे, अगर समझ लीजिए इस पॉइंट पे आपने 1-2 मिनट दिया और उसी के ठीक चैनल के पास वाले पॉइंट में आप जा रहे हैं मोक्सा, तो उस चैनल पे फिर 1-2 मिनट फिर वापस इधर आना है। ऐसे करके टोटल 5 से 7 मिनट उस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। ये हुआ नंबर वन। और जहां पर बहुत ज्यादा डिफिशियंसी होती है वहां 5-7 मिनट करेंगे तो मोक्सा करते करते उसको जस्ट थोड़ा सा अप करना है ताकि लो हिट वहां मिले, फिर वापस नीचे लाके हाई हिट कर दीजिएगा। मोक्सा को मूव मत कीजिएगा। इस 5 से 7 मिनट का ये एस्पेक्ट को बहुत ध्यान से इंप्लीमेंट कीजिएगा, तब आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। मॉक्सीबेसिन गिव्स एनर्जी एज वेल एज मूव्स। याद रखिएगा, हम सारा खेल एनर्जी पे कर रहे हैं, तो मॉक्सीबेसिन आपको क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है, हिट एनर्जी। और दूसरा बात है, ये गति दे रहा है, ये मूव कर रहा है, तो मूव ही तो चाहिए हमें। मेरिडियन में क्या चाहिए हमें? मूवमेंट ही तो चाहिए, उसकी फ्लो ही तो चाहिए। जो काम निडल से लेना है वो बाद में लेना है, पहले मूवमेंट लाना है मॉक्सीबेसिन से, फिर निडल देना है। व्हाइल एक्यूपंचर ओनली मूव्स व्हेन ट्रीटिंग डिफिशिएंट पीपल ओनली विद निडल्स, दे मे नॉट टू वीक टू माउंट ए स्ट्रांग पॉजिटिव रिस्पांस। व्हेन ट्रीटेड विद मॉक्सीबेसिन इट डज नॉट ओनली स्टिमुलेट सर्कुलेशन बट इट गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हिट टू द एरियाज वेयर इट इज अप्लाइड। यह पेनिट्रेट कर उस पॉइंट के, देखिए पॉइंट दो प्रकार से मूव करता है। एक तो वह हमारे सारे पॉइंट वर्टिकल है, लेकिन जहां डिफिशियंस होता है ये कमर की तरह एक थोड़ा सा और डेप्थ में चला जाता है, इसलिए आपको बहुत दबाकर उसके टेंडर पॉइंट को, आसी पॉइंट को, ट्रिगर पॉइंट को ढूंढना होता है। तो ये वहां तक भी पेनिट्रेट करता है, तो दोनों काम ये एक साथ करता है। तो आपको क्या करना है, निडल का और मॉक्सीबेसिन का कंबाइनेशन डीप पेनिट्रेशन के लिए बेस्ट वे में करना है। स्पाज़म और पेन, ये दोनों में काम करता है। याद रखिएगा कि जब स्पाज़म के साथ अगर दर्द होता है तो निडल से ज्यादा और एक्यूप्रेशर से ज्यादा मॉक्सीबेशन के बाद दोनों ट्रीटमेंट के रिजल्ट में बहुत जबरदस्त इजाफा होता है। मॉक्सीबेशन आपने अगर स्पाज़म कंडीशन में कर दिया, स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, SI3 का इस्तेमाल करते हैं और Liver-3 का इस्तेमाल करते हैं जब बॉडी में कोई भी प्रकार का स्पाज़म आ जाता है। तो वहां पर इस्तेमाल करने के पहले अगर आपने स्पाइन पे, पूरे स्पाइन पे अगर मॉक्सीबेशन ढंग से कर दिया और उसके बाद SI3 देकर पेशेंट को मूव
वाले स्टाइल में फिर एक्यूपंचर किया, तो फर्स्ट डे ही उसको मोर देन 50% रिजल्ट मिल जाता है फर्स्ट डे। हमारे सारे पेशेंट को हम रिजल्ट 50% से ज्यादा फर्स्ट डे देते हैं इस पॉजिटिव कंडीशन में, और दिए बिना छोड़ते नहीं, चाहे हमें 2-3 घंटा लग जाए, हम फर्स्ट डे उसकी चाल लाते हैं। तो आप लोगों को भी काम करना है, 20-20 मिनट आपको थोड़ा बचना है, 20-20 मिनट की थ्योरी से बचना है, जिसको जितना समय लगना है उतना आपको देना पड़ेगा। रेड ब्लड सेल्स और हेमोग्लोबिन का संबंध पे भी कल सवाल हुए थे, तो इसलिए इस स्लाइड को भी पहले यहाँ पे लिया है। क्लिनिकल रिसर्च वैलिडेट दैट सब्जेक्ट हु हैड द एवरेज हेमोग्लोबिन रेशियो ऑफ 78% जस्ट बिफोर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन शोज ए स्टडी इंक्रीज इन हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन रीचिंग ए पीक ऑफ 90% इन 8 वीक्स। यानी ची का संबंध हमारे हेमोग्लोबिन से है, और याद रखिए मैंने पास में जानबूझ के लिए फोटो दिए, ध्यान से देखिए पूरे शरीर में जाल बिछा पड़ा है, ब्लड सप्लाई बहुत छोटे छोटे तंतुओं तक पहुंचता है, तो इससे हमारी एनर्जी को बॉडी के हर ऑर्गन तक, हर शाखाओं के, सब शाखाओं के, माइक्रो शाखाओं तक पहुंचना होगा। और सारे स्टडी इस बात को कंफर्म करते हैं कि 8 सप्ताह में मॉक्सीबेशन से हेमोग्लोबिन के स्तर में बढ़ोतरी होती है। तो आपको लगातार ये काम करना है, और बिना अच्छे हेमोग्लोबिन के आप एकुपंचर, एकुप्रेशर या किसी भी थेरेपी से रिजल्ट अच्छे नहीं दे सकते हैं। पेशेंट सुस्त सुस्त, थका थका, एनर्जी लेस हमेशा बना रहेगा, इसलिए हमें उसके टोटलिटी पे जाना चाहिए। और इस चीज की पूर्ति करने के लिए लाइफ फोर्स एनर्जी ड्रिंक जो मैंने आपको बताया है वह 100% कंस्टिपेशन रिमूवर और हेमोग्लोबिन इंक्रीजर है। उसका सिद्धांत ऑर्थोपेडिक और रिमेटोइड और आर्थराइटिक के सारे लोगों को हम बता चुके हैं, इसलिए उस कड़ी को यहाँ जोड़िए, अब इससे आगे बढ़िए मॉक्सीबेशन। ये चीजें जो मैंने आपको कल बताया था, तो आपने सवाल किया था, तो मैंने दोबारा ये आपको दिखाने की चेष्टा की है कि ब्लड है वही हमारे शरीर में ची का संबोधक है। पेड़ों में क्लोरोफिल होता है इसलिए वो ग्रीन होता है, हमारे में क्या होता है हेमोग्लोबिन होता है इसलिए वो रेड होता है। पूरे पत्ते को आप खोल के देखिए तो उसके ऊपर भी धमनियां और शिराएं बिल्कुल ऐसी मिलेगी जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। कोई पत्ते को आप सूख जाते हैं या पत्तों को थोड़ा सा आप सूखने के लिए डालिए तो उसमें ऐसी मिलेगी, इसी में क्लोरोफिल बहता है, और बिना क्लोरोफिल के पत्ते पेड़ जीवित नहीं रहते हैं। तो पेड़ में जो प्राण है वह उसके क्लोरोफिल में, और हमारा जो प्राण है वह हेमोग्लोबिन में है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरियर यही है। तो याद रखिएगा कि लंग के पॉइंट इस्तेमाल करने से ची नहीं बढ़ता है, ये सब खुराफात मत कीजिए। आपको सबसे पहले डाइट एंड न्यूट्रिशन से रोगी का हेमोग्लोबिन बढ़ाना है, उसके बाद ही आपको बाकी काम में जाना है। इसलिए निडल की भूमिका बाद में, रोगी को पहले उसकी हेमोग्लोबिन वाली भूमिका में लाइए, तब जाके एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर और मॉक्सीबेशन काम करेगा। मॉक्सा फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिफिशियंट डिसीज स्टडीज इन जापान, उन्होंने बहुत अच्छी चीज की है। ये बातें मैं और दोबारा फिर आपको बताऊंगा कि व्हाइट ब्लड सेल काउंट जो है वो जापान के रिसर्च में मालूम पड़ा कि वो बढ़ता है। देखिए इम्यून बढ़ाने का खेल अब भारत में नहीं पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है अलग अलग माध्यम से, और एक्यूपंचर वालों को इसका एक स्पेशल पैकेज बनाकर बिल्कुल काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम करता है और बाकायदा टेस्ट रिपोर्ट में उसकी झलक आती है। आपको काम करना आना चाहिए। जो हमने मॉक्सा का बताया वो पहले ही आपको बताया, इम्यून एनहेंसिंग पे ही ज्यादा काम होता है मॉक्सा। ये एक्सटेंड फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन, क्रॉनिक फैटिक, इम्यून एनहेंसमेंट, और जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यून वाले प्रॉब्लम है, जितने भी कोविड सफरर है, उन सारे में इम्यून के लिए प्रिवेंटिव तौर पे भी और पोस्ट कोविड वालों में भी ये जबरदस्त काम करता है। इसलिए प्रीवियसली अनचेंजिंग कंडीशन से भी मॉक्सीबेशन काम करता है, ये इस स्टडी की सबसे बड़ी सूचक है जो हमें जाननी चाहिए कि जो रिजल्ट हमें कभी नहीं मिल रहे थे। जापान की स्टडी में प्रूफ हुआ कि मॉक्सीबेशन से दो बातें जबरदस्त हुई, एक तो व्हाइट ब्लड सेल बढ़ गए, व्हाइट ब्लड सेल बढ़ने का मतलब है कि इम्यून बढ़ गया, तो ये डॉक्यूमेंटेड है। और दूसरा बात है कि जिस बीमारियों में कोई लाभ नहीं हो रहा था मॉक्सीबेशन के बाद, सारी दवाइयां फिर उस पे लगने लगी और रोगी को लाभ होना शुरू हो गया। और आपके पास ऑर्थोआर्थराइटिस के, क्रॉनिक फैटिक के, इम्यून एनहांसमेंट के तो पेशेंट आते ही हैं, उसके लिए आप काम कर रहे हैं तो उस पर काम कीजिए और इसका सही इस्तेमाल कीजिए।
डिफिशियंट डिसीज के लिए ही हमारे पास से ज्यादा करके पेशेंट आते हैं। तो जैसे अस्थमा आता है वो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो डिफिशियंट डिसीज में आता है, तो जो लोग अस्थमा पे काम कर रहे हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस इसी में आता है उस पर काम कर रहे हैं, तो उस पर याद रखें। मेटाबोलिक डिसऑर्डर पे जो लोग काम कर रहे हैं, यांग डिफिशियंट पे काम कर रहे हैं, वहां पे मॉक्सिबेसन 100% आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके रिजल्ट स्टडी बेस्ड और बाकायदा रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्लिनिकल है और प्रैक्टिकल है। तो अब आपको दायरा पता पड़ेगा कि मुझे किस किस दायरे में इसका काम करना चाहिए। इसकी अच्छी बात क्या है कि मॉक्सिबेसन जो है वो ब्लड और लिम्फ सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। क्यों करता है अब आपको पता पड़ गया, क्योंकि हिट जो होता है मूवमेंट लाता है, मूव करता है, और मॉक्सिबेसन का काम मूव है। तो मॉक्सा इंप्रूव्स द ओवरऑल ब्लड एंड लिम्फ सर्कुलेशन एंड द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जब बॉडी में अभी सारा कोविड में जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, एंटीबॉडीज के लिए तो ले रहे हैं, तो बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मॉक्सिबेसन निडल से ज्यादा कामयाब है। तो जो हम लोग बात करते हैं, ये पॉइंट है, बात तो हम सही कर रहे हैं, हम LI-11 की बात कर रहे हैं, DU-14 की बात कर रहे हैं, RAIN-6 की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक गलतियां कर देते हैं कि उस पर एकुप्रेशर और एकुपंचर चालू कर देते हैं, जबकि पूरे के पूरे TCM के ग्रंथ भरे पड़े हैं, सारे बड़े टीचर चिल्ला चिल्ला के मर गए, स्वर्गवास हो गए, उनके शोध पत्र किताबों में रह गए कि मॉक्सिबेशन करो और हम निडल ठोकने में लगे हुए। तो आपको एकुपंचर पॉइंट, इसलिए मैं एक ही वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि एकुप्रेशर करो, एकुपंचर करो, लेकिन उसके करने के तरीके को जाने तो वहां मॉक्सिबेशन आपको चाहिए। ब्लड एंड लिम्फ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इंटेंस हीट जो बर्निंग मॉक्सा है एक्यूपॉइंट पे, वो नर्व एंडिंग ऑफ द स्किन एकदम अंत तक जाता है। आप देखिए ध्यान से कि हमारी पूरी ब्लड के सर्कुलेशन कैसे है, बहुत छोटे छोटे, और अंगुलियों के पावर पे देखिए यहाँ पर पूरी जमावट है, तो इसके सारे मेरिडियन के शुभारंभ अंत हमारी अंगुलियों पे आता है, फिर इसकी शाखाएं, सब शाखाएं बहुत सारी है, तो बहुत ही अति सूक्ष्म नहीं, माइक्रो नहीं, माइक्रो के भी छोटे रूप में, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं, स्मॉल वेसल्स होते हैं, वहां तक आपको काम करना है। तो निडल का काम तो आप मसल पे कर रहे हैं, मॉक्सिबेशन का काम मसल पे कर रहे हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट आपको बाकायदा इमेजिनेशन में होना चाहिए कि मुझे पहुंचना कहां है। तो आपको पहुंचना है कैपिलरीज तक, और कैपिलरीज में तभी पहुंचेंगे जब ब्लड की डेंसिटी कम होती है, ब्लड में फ्लो होता है, ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसके बिना, और लिम्फ सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है, तभी वो बढ़ता है, नहीं उसके बिना नहीं बढ़ता। ये साइंस कहता है, साइंस को आप चुनौती नहीं दे सकते, मॉडर्न साइंस को आप चुनौती नहीं दे सकते। तो TCM की बात भी सही है, तो TCM की वो जानकारी लीजिए जो मॉडर्न बातों पर खरी उतरती है। तो आपको मॉक्सिबेशन का सही उपयोग करना है और हमें उसके अंत तक पहुंचकर बेस्ट रिजल्ट देने की चेष्टा करनी चाहिए। इट इज ऑफ्टन द कॉज दैट द पेशेंट फील वार्म, रिलैक्स एंड स्लीपी फ्रॉम द इफेक्ट बेटर मॉक्सिबेशन ट्रीटमेंट। यही कारण है कि हम आपको बताते हैं कि आपको पेशेंट को आराम से सुला के रखना है। जब शेर का बच्चा सो सकता है तो पेशेंट कहीं नहीं सो सकता है। तो हमारा क्लिनिक जो होता है प्राय खराटे मारते हुए रोगी इसलिए नजर आते हैं, आपके क्लिनिक में मारेंगे, उसको आराम दीजिए। और याद रखिएगा मॉक्सिबेशन ये सारा काम कराता है, जब ये सारा काम होगा पेशेंट सोएगा, नींद में रहेगा, उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसलिए आप लोग काउंसलिंग और कंसल्टेंसी के दौरान ध्यान रखिएगा, पेशेंट की नींद के बारे में आपको जानकारी लेना है। अगर पेशेंट को नींद नहीं आता है तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको महत्वपूर्ण बातें अब बताते चला हूँ, सारे बात अगर नोट हो गया हो तो इसकी डायरी बनाइएगा, सारे वीडियो को देखिएगा कि काउंसलिंग के कौन कौन से सवाल है करने। मैं कम से कम अभी तक आपको 50 बातें बता चुका हूँ, उसका एक चैप्टर बना लीजिएगा, उसके बाद काउंसलिंग कीजिएगा, मजे कीजिएगा, रोगी भी खुश, आप भी खुश, फिर कंसल्टेंसी फीस भी आराम से दे के बोलेगा, और फिर बोलेगा डॉक्टर साहब कल पैसा जमा कराने से चलेगा, बोलेगा दौड़ेगा, फिर कल आके वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो अब आपको और ध्यान से देखिए, फिंगर ब्लड वेसल्स में यहाँ दिखा रहा हूं कि ये शाखाओं को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि एकुपंचर का दायरा कितना विशाल है और हमें काम कितने माइक्रो लेवल पे, कैपिलरी लेवल पे करना है। पीपल हु सफर फ्रॉम द कंस्टेंट सर्कुलेशन और कोल्ड फीलिंग इन द हैंड्स एंड फीट कैन ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम मॉक्सिबेशन। अब बताइए ये छोटी छोटी चीजों को आप निडल से कितना आराम दे पाएंगे। यहाँ तो फ्लो चाहिए, यहाँ ऐसा हिट चाहिए जो ये सारे रास्तों को चौड़ा करे और इसमें गति लाए, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो ये बहुत छोटों में संचार के लिए मॉक्सिबेशन करने के बाद निडल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो लोग निडलिंग नहीं करते उनको सलाह दूंगा कि कुछ पॉइंट पे एक्यूप्रेशर अच्छा काम करता है और कुछ पॉइंट पे पेडिंग अच्छा काम करता है, तो आपको पेडिंग मशीन का इस्तेमाल करना आना चाहिए, लेकिन मशीन सस्ती होनी चाहिए, दिमाग में रखिएगा। ये रीजन मैं बाद में बताऊंगा,
कि सस्ती क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सस्ती के पास ही वो फ्रिक्वेंसी है जो हमें एक्यूपंचर में चाहिए, महंगी मशीन नहीं चाहिए। तो जितनी सस्ती मशीन उतना अच्छा रिजल्ट, ठीक है। तो स्टमक 36 के वीडियो अगर मेरे साइट पर पड़े हो तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताए हुए। अब मुझे नहीं पता वो वीडियो खुले या नहीं खुले, मुझे चेक करना पड़ेगा। मॉक्सीडेशन फॉर सेल्फ केयर एट होम, तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि पेशेंट को दो चीजें आपको देनी है घर के काम करने के लिए, क्योंकि 23 आवर्स पेशेंट अपने साथ रहता है और सिर्फ आपके पास 1 आवर के लिए आता है, तो 23 आवर्स में भी उसको बूस्टर लेने पड़ेंगे। तो उसमें दो चीजों पे हमने आपको गंभीर रूप से सिखाया है, ज्यादा विस्तार से सिखाया है, और 26 वीडियो आपको दिए हैं, सबको ध्यान से देखिए। टाइगर वार्म रोलर मॉक्सीबेशन आप रोगी को देंगे, ये सेफ है, रोगी इससे डैमेज नहीं करेगा। और वुडन बॉक्स रोलर मॉक्सीबेशन जो है, रोल मॉक्सीबेशन, वो आपको उनको सिखा देना है उसके साथ है रोगी का, अगर वो कर सकता है। डायरेक्ट कैंडल मॉक्सीबेशन या रोलर मॉक्सीबेशन या रोल मॉक्सीबेशन उनको नहीं देंगे, कुछ बॉक्स के साथ देंगे जिससे कि वो अपना खुद भी कर सके और बिना खतरे के कर सके। इसके बारे में आपको बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं, ध्यान से देखिए, लगभग 8 वीडियो हैं। ये पेशेंट को खुद करना है, करने के तरीके वगैरह उनको बाकायदा ट्रेनिंग देंगे आप, ऐसे ही नहीं देंगे कि जाइए और कर लीजिए, बाकायदा करवाइएगा, पास में करवाइएगा, जो लोग करता है अपने सामने 2 दिन बुलाइए उसको, अपने बेड पे कराइए। अगर आपको कोई कमजोरी लगती है तो उसको दूर कीजिए। उससे क्या होता है, रोगी को सिखाया हुआ ज्ञान आपके रिजल्ट को बढ़ाने में सहायक होता है। रोगी को जब रिजल्ट मिलता है तो उसका विश्वास आप पर ज्यादा बढ़ता है। ज्यादा करके रोगी को आप लोग सिखाते नहीं हो, उसको यूं ही कह देते हो ये करो वो करो, ये सामान खरीद लो, कभी भी सामान खरीद लो नहीं बोलना है, यह करना है बताना है। वो चाहे जहां से खरीदे आप बता दीजिए, बाजार में यहाँ ये मूल्य है, मेरे यहाँ मूल्य है, लेकिन ये करना पड़ेगा। ज्यादा करके रोगी आपसे ही लेगा, इसलिए आप चिंता ना करें, चीजों को अपने पास रखें और चीजों को ढंग से करें। अब यिन पैटर्न जो है, लोगों को लगता है कि यांग में ही काम आता है, यिन में काम नहीं आता है, तो सुन सिनो टांग डेंसिटी कहते हैं, व्हेन द हेड एंड द बॉडी आर हॉट। अब यहाँ पर वापस बात हो रही है कि जिनको लगता है कि हाइपरटेंशन में तो सर गर्म होगा, मॉक्सा कैसे करना है, साहित्य ये कहता है और हम जम के करते हैं। व्हेन द हेड एंड बॉडी आर हॉट अप्लाई 100 कॉन्स ऑफ मॉक्सीबेशन टू वाई क्वान रेन 13 पे, हम ज्यादा करके रेन 12 पे और रेन 6 और रेन 4 पे ज्यादा काम करते हैं। डोंट अप्लाई एक्यूपंचर, साहित्य कहता है कि एक्यूपंचर मत करो, अगर सर गर्म हो, हाथ गर्म हो, तो आपको तो वहां मॉक्सीबेशन करना है। तो मॉक्सीबेशन की डिटेलिंग में ये मैंने सिर्फ आपका मिथ तोड़ने के लिए बताया है, करना कैसे है क्या नहीं करना है वो अलग अलग कोर्स में बताऊंगा, लेकिन आपका मिथ तोड़ना, वो सोच को तोड़ना कि यहाँ करना है यहाँ नहीं करना है, उस सोच में बताना कि साहित्य क्या कहता है, टीसीएम का सिद्धांत क्या कहता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए ये बातें मैंने आपको बताई है। देखिए 100 कॉन्स यानी 100 बार हम वहां मोक्षा करते हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि मोक्षा करना और मॉक्सीबेशन करना अलग अलग है। 2 मिनट की डंडी मॉक्सीबेशन नहीं है, तो आपको मॉक्सीबेशन की सारी प्रक्रिया, उसको करने के तरीके, कितनी बार करना है, कितने मिनट करना है, बॉडी को तैयार कैसे करना है, करने के बाद क्या करना है, करने के पहले क्या करना है, ये सारी बातें आनी चाहिए, तब जाके आप परफेक्ट थेरेपिस्ट बनते हैं। वरना जो होम केयर के लिए आप बता रहे हैं उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रहता है। यिन पैटर्न में अप्लाई मॉक्सीबेशन इन कोल्ड कंडीशन टू मेक ची रिटर्न्स एंड वार्म द पेशेंट, तो यांग और यिन दोनों में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए कि टीसीएम एक ही बात करता है, ये होमोस्टेसिस है और यिन में यांग है, यांग में यिन है, नो डाउट यांग के पेशेंट ज्यादा होते हैं, लेकिन यिन डिसऑर्डर में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब आपको इसमें दो चीजें मैं दिखा रहा हूं, एक तस्वीर को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ये जो नमक दिया गया है असली नमक ये है जो हम लोग को प्रयोग करना चाहिए, यह मोटा नमक है, ठीक है, मोटा नमक का प्रयोग होता है। ज्यादा करके हम लोगों को मोटा नमक मिलता नहीं है, तो हम अपने घर वाले नमक का ही इस्तेमाल कर देते हैं। नियम से इस मोटे नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, पत्थर नमक या पहाड़ी नमक या हिमालय नमक या मोटे नमक के नाम से आयुर्वेद की दुकान में मिलता है, और इसको एक बार इस्तेमाल करके आपको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे क्लिनिक में मैंने इसको छान के दोबारा इस्तेमाल करते देखा है, ये काम ना करें। पेशेंट पैसा देता है, उसके बाद ये नमक का कोई उपयोग नहीं रहता है, पेशेंट पर इस्तेमाल करने के बाद फेंक दीजिए, बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं है, तो इसको दोबारा इस्तेमाल ना करें, फेंक दें। डबल लॉक का सिद्धांत यहाँ लागू है। प्रिवेंटिव इलनेस बिफोर इट शोज इट्स सिम्टम्स, मॉक्सीबेशन और एक्यूपंचर का मुख्य काम है कि कोई भी सिम्टम आने के पहले उसका इलाज करना है। एक्यूपंचर एंड मॉक्सीबेशन थ्योरी सेज दैट द स्टेज ऑफ इलनेस दैट कम्स बिफोर इलनेस शोज इट्स सिम्टम्स, दे बिलीव इट बेस्ट टू ट्रीट इलनेस एट दिस स्टेज। लेकिन हमारे पास रोगी क्या करेगा, पहले आएगा या बाद में आएगा, हमारे पास रोगी पहले कभी नहीं आएगा, वो धक्के खाकर बहुत बाद में आएगा।
तो याद रखिएगा, बहुत बाद में आने के बाद भी यह मत मानिए कि बहुत सारी बीमारियां नहीं आएगी। घुटना दर्द है, अगर आपको मालूम पड़ गया कि बाकी चीजें हैं तो उसको पहले से बोल दीजिए, सर्वाइकल और कमर दर्द खड़ा है, जैसे ही घुटना दर्द ठीक होगा दोनों दर्द मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। तो दोनों दर्द को रोकना आपका काम है। जो लोग डिफॉर्मिटी के साथ आए हैं उनको पहले बता दीजिए, थोड़े दिन में आपकी चाल खराब हो जाएगी। दुनिया में आर्थराइटिक एक नंबर डिसेबिलिटी वाली डिसीज है। दुनिया में सबसे ज्यादा अपाहिजता इस घुटना और कमर दर्द से आता है। आप बिस्तर ना पकड़ें इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर बता रहा हूं। तो याद रखिएगा, प्रिवेंटिव नी के लिए वो नहीं आया होगा, लेकिन नी के बाद वाले के प्रिवेंटिव देना आपका काम है। रोगी को ये चीजें नहीं दी जाती है और आपको परफेक्ट थेरेपिस्ट बनकर ये बातें उनको बतानी है। अगर डायबिटिक है तो आपको पहले से बताना है, आंखों की समस्या आएगी, लिवर की समस्या आएगी, किडनी की समस्या आएगी, वो रिपोर्ट में आपको उसको लाभ करके दिखाना है। यहां पर प्रिवेंटिव का रोल है। प्रिवेंटिव का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि रोगी को तो आपके पास 10 साल पहले आ जाना चाहिए था। जिस दिन रोगी आया उसके 5 साल बाद डिसीज अलग अलग ढंग के मैनिफेस्टेशन में जाएगा, उन सबको रोकना भी आपका काम है। तो प्रिवेंटिव का सही अर्थ समझ जाइए और उस पर काम कीजिए। एकोपंचिस्ट को वैसा ही काम करना चाहिए, सारे थेरेपिस्ट को वैसा ही काम करना चाहिए। इसको जो बिफोर इलनेस होता है उसको जापान में माई बायो कहते हैं और मी बिंग कहते हैं। ये शब्द आपको किताबों में बार बार मिलेगा, मी बिंग, माई बायो। तो इसका मतलब समझ जाइए कि कोई भी बीमारी पहले आती है तो उसके पहले बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखाते हैं, जिसको बिफोर इलनेस कहते हैं, और उस पर हमें काम करना होता है। और वहां पर काम की शुरुआत रेन एड से और डी यू फोर से होती है। मॉक्सिबेशन के दोनों पॉइंट आगे और पीछे है, तो आपको रेन एड पे अच्छे ढंग से काम करना आना चाहिए। माई बिंग और माई बायो बिफोर इनलेस का मतलब ये हो गया कि माई बिंग इज क्रोनोलॉजी रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ लॉन्गेटिविटी एंड मॉक्सिबेशन ऑन द एकोपंचर पॉइंट स्टोमक 36 सुशानली इन चाइनीज एंड आशी नोशानरी इन जापानीज। स्टोमक 36 पढ़ने के लिए मैंने आपको बोला है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पूरी दुनिया में ज्यादा उम्र की ख्वाहिश भारतीय धर्म ग्रंथों से लेकर चाइना के धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी है, दुआओं में, मंत्रों में, तंत्र में, पूजा में, आराधना में, मेडिकल साइंस में। हर आदमी ने दीर्घायु की बात की है, हर आदमी दीर्घायु रहना चाहता है। और स्टोमक 36 रेन एड और डीयू 4 ये दीर्घायु को बचाने, पालने, बढ़ाने के पॉइंट है। तो आपको इन सारे पॉइंट के साथ खेलना आना चाहिए, काम करना आना चाहिए। उस पर कैसे मॉक्सिबेशन देना है वो आना चाहिए। खाली मॉक्सिबेशन देने से काम नहीं होगा, काम करेगा लेकिन वो मकसद पूरा नहीं आएगा। आप कहेंगे कि मॉक्सिबेशन आपने 4 दिन किया और उसकी उम्र 100 साल की हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लॉन्गेटिविटी का मतलब हो गया कि वो अकाल मृत्यु से नहीं मरेगा, ईश्वर की दी हुई मृत्यु से मरेगा, वो बीच में किसी बीमारियों का शिकार नहीं बनेगा, प्रकृति जनित बीमारियां से वो नहीं मरेगा। ये होता ही है दीर्घायु का मतलब। तो उन सारी चीजों में एकुपंचर का नाम नहीं है, उन सारी चीजों में मॉक्सिबेशन का नाम है। जहां भी दीर्घायु शब्द का इस्तेमाल हुआ है पूरे साहित्य में, जितने भी टीसीएम के मेडिकल बुक्स हैं उसमें सब जगह मॉक्सिबेशन एंड लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी जो है, दीर्घायु जो है, वह मॉक्सिबेशन से जुड़ा हुआ है। तो दिमाग में रखिए, तो पेशेंट को ज्यादा ठीक करना है, ज्यादा समय के लिए ठीक करना है, दीर्घायु बनाना है, स्वस्थ रखना है, तो आपको मॉक्सिबेशन आना चाहिए और उस पर काम करना है आपको। तो वह सारी चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। कुछ लोगों ने हम अच्छा एक बात हो रहा है, ये पूरे भारत में हमारे क्लिनिक में हम जम के करते हैं और हमारे स्टूडेंट के अलावा हम किसी को दूसरे को नहीं सिखाते, क्योंकि बहुत मेहनत से हम ये सीख रहे हैं। यह प्रेस मॉक्सिबेशन, यह बहुत मतलब डायरेक्ट हम जरा के बॉडी के ऊपर चिपका देते हैं, लेकिन पेशेंट को फील नहीं होता और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड करने का ये आर्ट है। इसके बारे में हम एक कोर्स अलग करेंगे जो हमारे मॉक्सिबेशन के ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए ही होगा, जिसको फिर क्लास में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। यह मॉक्सिबेशन धुआं बिना होता है, फास्ट रिजल्ट देता है और विद इन मिनट्स हम पेशेंट पे कर सकते हैं। एक पॉइंट पे 20 सेकंड से ज्यादा समय देना नहीं पड़ता है। पूरे भारत में हम इसको करने वाले अकेले हैं और हम इसीलिए हम ये सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए करते हैं, बाकी को हम नहीं सिखाते, क्योंकि दुकानदारी हमें नहीं चलानी। हम चाहते हैं कि जो परफेक्ट लोग हैं उनको परफेक्ट आर्ट आना चाहिए। तो इसके बारे में हम विस्तार से और कभी चर्चा करेंगे। यह है जो आप लोगों ने पूछा कि बच्चों पे, तो बच्चों पे सबसे ज्यादा किया जाता है जिसको शानफू मॉक्सिबेशन कहते हैं। यह जो क्योर डिसीज दैट
नॉट कम, यानी बीमारी जो आई नहीं है उसका इलाज करना, इसके बारे में आपने पूछा, तो इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार से बताता हूँ कि एवरी ईयर मेनी पीपल डू सन फू मॉक्सीवेशन, जिसको शैन फू मॉक्सीवेशन कहते हैं। सन इसलिए है कि ये सूर्य की तपिश में दिया जाता है, इसलिए नाम इसका असली है सन फू, जो नाम बदल के हो गया शैन फू उच्चारण के कारण। ये गर्मियों में दिया जाता है ताकि सर्दियों की बीमारी नहीं आए। और पूरे चाइना में हॉट डे को चुनते हैं, जिसको डॉग डे कहते हैं, और वहां पर यह ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब इसमें मोक्सा रूल ऑफ एक्शन को थोड़ा समझ जाइए, उसके बारे में अभी और मैं आपको दूंगा, आगे बताऊंगा। मूव द स्टिक स्लोली ओवर द एरिया टू बी हील्ड, कीपिंग इट एज क्लोज टू द स्किन एज पॉसिबल सो दैट इट रिसीव द मैक्सिमम हिट। ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, तो बहुत बेहतर पहले प्रैक्टिस कीजिए और रिदम मत टूटने दीजिएगा। इसका सीक्रेट आपको किसी भी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, किताब में नहीं मिलेगा, ये आपके हाथ में है। तो हाथ की कलाई का प्रैक्टिस कीजिए, मॉक्सीवेशन का कीजिए, और उसके रिदम को मत टूटने दीजिए, जलने मत दीजिए, और बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल करने से आएगा। मोक्सा रूल एक्शन में है, टेल द पेशेंट टू टेल यू व्हेन इट गेट्स टू हॉट। इसलिए आपको क्या करना है, उसको बोलने की इजाजत नहीं देनी है, जैसा आपको सिखाया। रोगी आपको सिर्फ दो साउंड में बताएगा, अगर वो ज्यादा गर्म हो गया तो वो ऊंचा आवाज लगाएगा, मतलब ज्यादा हीट हो गया तो आप कम कर देंगे, कम हीट होगा तो ये कहेगा इसका मतलब आप थोड़ा सा तपिस बढ़ाओ। तो उसको सिर्फ ये दो साउंड देने की इजाजत है, कुछ बोलने की इजाजत नहीं है। थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा नीचे करो, वो पूरा नाई बना के छोड़ देगा आपको, तो आपको वो काम नहीं करना। उसको बोलना खाली हूं और हाँ, इस चीज में आपको साउंड देना है और वो दे देगा। सो दैट यू कैन ड्रॉ इट अवे लिटिल, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द मैक्सिमम हीट इज अप्लाइड एंड दैट यू वांट द पेशेंट दैट इट विल गेट वेरी हॉट एंड दैट इज एसेंशियल। वो बड़ा जरूरी है कि पेशेंट की हर बातों को आप नहीं मानेंगे, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बार पेशेंट ज्यादा हीट लेने के चक्कर में अपना बर्न करवा लेता है, तो आप अपने टाइमिंग को और अपने हैबिट को, प्रैक्टिकल आइडियाज को लागू करेंगे। अगर पेशेंट कहता भी है कि थोड़ा और दो, थोड़ा और दो, तो आप उसको मूव करते हुए देंगे, और मूवमेंट आपको आनी चाहिए, कंस्टेंट में रखेंगे, और मूव जो होगा हाथ का होगा। जो गलतियां करते हैं मॉक्सीवेशन में, लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ये नहीं करेंगे। आपकी मूवमेंट जो होनी होगी वो कलाई वाली होनी होगी, ताकि उसका रिदम बना रहे। मोक्सा रूल ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स, वो मैं आपको बता चुका हूँ। डोंट मूव द स्टिक ओवर टू वाइड, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको किताबों में, लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं बताने वाला। वो अर्थ मैंने आपको बता दिया कि उस हिट की फ्रिक्वेंसी नहीं तोड़नी है। एन एरिया ऑफ ए फ्यू सेंटीमीटर एट ए टाइम इज बेटर बिकॉज द स्किन विल कूल डाउन सो क्विकली बिटवीन अप्लीकेशंस। यानी बॉडी में हिट होता क्या है, जैसे आप घर में पोंछा लगाते हैं, तो आजकल डंडे से, डंडा वाला पोंछा आ गया, तो जैसे ही पानी आता है पोंछा लगाते हैं, फिर डंडे को थोड़ा पीछे करते हैं, लेकिन पूरा पीछे नहीं करते, थोड़ा पीछे करते हैं, फिर धकेलते हैं, फिर पीछे करते हैं, फिर धकेलते हैं। तो मॉक्सीवेशन में भी हम ये काम करते हैं, जिसमें मैं अगर साउंड इफेक्ट करूं तो हम ये करते हैं, यानी ये धकेलना है। तो मॉक्सीवेशन का जो एक्शन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कैसा करना है, तो चलिए बोलिए। बच्चों पे आपको हम बताया था कि कंसंट्रेट करना है, अगर आपका हाथ अच्छा है तो बच्चे भी बड़े प्यार से करा लेंगे। कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा, हम लोग कुत्तों पे, घर के पालतू जानवरों पे करते हैं, और वो नहीं करने से वो बकायदा हाथ खींचता है कि लो मेरा करो, अभी तक किया क्यों नहीं है, वो इतना सुथिंग होता है, इतना अच्छा होता है। तो मॉक्सीवेशन को करना एक आर्ट है, साइंस भी आर्ट भी है, तो आर्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको केयरफुल रहना है, इसके बारे में आपको पहले बता दिया, तो मैं थोड़ा सा गोल्डन रूल बता देता हूँ कि बर्नोल को कभी भी बर्नोल नहीं बोलेंगे, ऑइंटमेंट बोलेंगे। वो पहले अप्लाई कर देंगे कि इससे मोक्सा का इफेक्ट अच्छा होता है, और कोई डिब्बी में रखेंगे, क्योंकि बर्नोल बोलते ही रोगी को लगता है ये जलाने वाला काम हो रहा है। तो आप पहले अप्लाई करेंगे शुरुआती दौर में, मोक्सा करके फिर लगा दीजिए, ताकि आप जब तक अच्छा प्रैक्टिस नहीं करें तब तक आपका रोगी सुरक्षित रहे। तो बर्नोल को हमेशा किसी दूसरे कंटेनर में निकालकर इस्तेमाल करना है, और उसको ऑइंटमेंट बोलना है, क्योंकि रोगी जो सुनता है उसको ज्यादा समझ लेता है। जैसे बोलेगा बर्नोल लाना, रोगी तुरंत खड़ा होकर बैठेगा, अरे क्या कोई जलाने जा रहे हो क्या, बोला नहीं नहीं नहीं, तो फिर लगा क्यों रहे हो, बर्नोल क्यों लगा रहे हो। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये सारी चीजें मैं देख लेता हूँ कि इस टाइप के स्कार वगैरह घर में जाकर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि स्कार वगैरह, ब्लिस्टर, स्केयरिंग ये नहीं करना है आपको।
वेयर दीज एमोक्सिसिलिन स्कार वेयर इज क्योर, ऐसा माना गया है, लेकिन ये चीजें आप पेशेंट को पहले बता दीजिएगा, लेकिन गलती मत कीजिएगा काउंसलिंग के दौरान, ये बातें बतानी जरूरी है। उसको कहिए कि आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुई या आपको रिजल्ट अच्छे मिलने के चांसेस हुए तो आपकी स्किन में थोड़े फफोले या रेडनेस आ सकता है, तो उसमें आप चिंता मत कीजिएगा। घर में कोई भी एंटीसेप्टिक बोरोलिन या बोरोप्लस जो भी घर में पड़ा है वो लगा लीजिएगा, इतना आदेश मोर देन सफिशियंट है, करते समय सुरक्षा कीजिएगा, लेकिन गलतियां मत कीजिए, क्योंकि किताबों में लिखा है कि ऐसा, और चाइना में तो बिल्कुल ऐसा जानबूझ के किया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा सिद्धांत ना करके भी आप काम कर सकते हैं। और कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी वाले को तो मैं सिखाऊंगा कि आप जलाएंगे तो भी वो जलेगा नहीं, वो वाला तरीका सिखाऊंगा, आप उसको जलाना भी चाहेंगे तो जला नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक हाईली पेड प्रोफेशनल वर्क है, तो वहां काम दूसरे प्रकार का होगा। ये मैंने ऑर्थोपेडिकल और बाकी जो दर्द वाले चिकित्सक है उनके लिए बता दिया। For the reason to determine whether the burn is a side effect of amoxicillin or not, the doctors जो है वो सोचता है कि उसका patient जो है वो पहले ये सारी चीजें मान लेगा, लेकिन जो final therapeutic effect होता है वह इस पर असर डालता है। लेकिन याद रखिएगा कि आप कितना भी उसको बोलें तो बहुत ज्यादा इसमें विस्तार से रोगी को बताने की जरूरत नहीं है, उसको सिंपल दो शब्दों में बताने की जरूरत है कि भाई ऐसा हो सकता है, होगा बोल के नहीं बोलना है, हो सकता है, ताकि पेशेंट को बाद में आप समझाएंगे तो पेशेंट आपकी बात स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसा मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं हुआ, जबकि मैं नौसिखिया था तब भी नहीं हुआ, अब तो होने का मतलब ही नहीं है। हाँ, यदा कदा स्टाफ और पेशेंट के कुछ ना समझी से और बहुत बारी बहुत सारी जो पेशेंट सो जाता है और उसको याद नहीं था मॉक्सर का, अचानक उठ जाता है, तो बहुत बार हमारे बिस्तर पे चीजें गिरा चुके हैं, इस टाइप पे बहुत बार हुआ है कि नींद से उठने में या पैर हिला दिया या हाथ हिला दिया, अचानक ही ये समझ लीजिए कि कोई मच्छर काट लिया या किसी को कुछ हो गया तो कर लिया, तो वो सब में मिस्टेक्स होते हैं। तो बेडशीट वगैरह दो चार तो आपके जलेंगे, ये दिमाग में रखिएगा, लेकिन पेशेंट के ऊपर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको सेफ मॉक्सिलेशन करना है और बहुत अच्छे अच्छे सेफ मॉक्सिलेशन मैं आपको बताऊंगा, चीजें पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको बता दी कि मॉक्सिलेशन को अगर कोई ऐसा दे तो आप समझ जाएगा ये कपिंग से हुआ हुआ है, तो इस टाइप की कपिंग नहीं करनी है, क्योंकि मॉक्सिलेशन के साथ साथ बहुत सारे लोग कपिंग करते हैं और कपिंग के ऐसे फोटोज भरे पड़े हैं, तो रात दिन लोग दोनों एक साथ करते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हुआ, ये मॉक्सिलेशन से ऐसा कभी नहीं होता है, ये सिर्फ गलत ढंग से कपिंग करने से आता है, तो कपिंग को बहुत सावधानी पूर्वक कीजिए। और इस टाइप के जो एक छोटा सा मैंने दिखाया है ये किससे होता है, ये मिनी मॉक्सा का एक प्रकार होता है जो इंडिया में बहुत टाइप आए हुए हैं, और तो उन सबको देते समय लापरवाहियां डायरेक्ट बॉडी पे लगा के की गई थी, उससे ये होता है, ये आगे चलकर बड़ा बनता है, इसलिए मैं ये दिखा के चीजें वो सब बचाने के लिए मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, वो है कैंडल और जेंटल मोक्सा, इसको करने का तरीका बताऊंगा, ये एकदम सुरक्षित है, जैसे इस टाइप के स्कार वगैरह नहीं होंगे। ये सारे मोक्सा मैं अपने ऑर्थोपेडिक और रिमेटाइड वाले को दूंगा, इस मोक्सा से आपको पैसे भी कमाना है, रिजल्ट भी कमाना है, और इससे आपको काम भी करना है, और इसके बारे में मैं उपलब्ध आप लोगों के लिए मंगा चुका हूँ, कंटेनर आ चुका है, तो आप लोगों को सारे को ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। और ये सारे मोक्सा से आप 500 से लेके 1200 तक का पैकेज बनाएंगे और रिजल्ट इतना जबरदस्त मिलेगा कि पेशेंट को आप भगाएंगे तो भी भाग कर नहीं जाएगा, और आपकी ये कंप्लेन दूर हो जाएगी कि पेशेंट को सर बुलाने से भी पेशेंट आता नहीं है, 20 दिन चाहिए, 2 दिन में हो जाता है, वो हर सप्ताह आएगा और कहेगा वो मोटा वाला मोक्सा कहाँ है, फटाफट करो, ठीक है। तो ये वाले मोक्सा हम आपको सिखाने जा रहे हैं OARA स्पाइन मसल्स पेन वालों को, और उनकी एक अलग से क्लास होगी। कॉस्मेटिक ब्यूटी में अगर जो लोग एडवांस करना चाहते हैं और कुछ मोक्सा क्लिनिक का सेटअप करना चाहते हैं तो उनको इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो यह स्टिक विल हेल्प द एरिया फील वार्म एंड द पेन अप इन गोज और एट द सेशंस, इससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो ये हो गई मोक्सा के एक विशेष प्रकार के बारे में, तो ये चीजें दिमाग में रखिए क्योंकि आज दोनों का क्लास साथ हो रहा है। नो पेन कम्स विदाउट ब्लॉकेज, ये दिमाग में रख लीजिए कि बिना ब्लॉकेज के दर्द नहीं आता है। द सेइंग इज दैट द पेन कम्स विद ब्लॉकेज व्हाइल नो पेन कम्स विदाउट ब्लॉकेज रेफर्स टू पेन अपीयर्स द ब्लॉकेज ऑफ चैनल कॉज्ड बाय द इन्वेशन ऑफ इलनेस। यह माना गया है कि ब्लॉकेज होने से दर्द आता है। अब हमको ये बात समझ में आ गई कि ब्लॉकेज को हटाने के लिए मॉक्सिलेशन हम पहले इस्तेमाल करेंगे, निडल बाद में करेंगे, मॉक्सिलेशन अच्छा काम करता है, तो वो सारे तरीके और आपको
आपको बताए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्लिनिक में 90% रोगी ये लोग ही होते हैं जो आते हैं, तो उनके ज्यादा करके स्टेग्नेशन ऑफ छी और स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड, ये दो ही प्रकार के रोगी 99% दर्द वाले रोगियों में ये 99% होते हैं, और पूरे क्लिनिकल रोगियों में ये लोग 90% होते हैं। तो ये काम आपको करना आना चाहिए, तो ये काम का तरीका बताएंगे और थोड़ा प्रोफेशनल लुक भी बताएंगे कि काम करने का अंदाज थोड़ा प्रोफेशनल होगा तो आपके क्लिनिक चलाने में भी आपको मजा आएगा। और याद रखिएगा, नो पेन कम्स विदाउट ब्लॉकेज, बिना ब्लॉकेज के दर्द नहीं आता है। यह आपके काउंसलिंग का हिस्सा होगा, पेशेंट आपसे पूछेगा निडल क्या काम करता है, मोक्सिबिलिन क्या काम करता है, तो बड़े बड़े थ्योरिया मत दीजिए, एक लाइन में बोलिए कि दर्द बिना ब्लॉकेज के नहीं आता है। क्यों? पूरा भारत एक ही बात करता है, मेरी नाड़ियां जाम हो गई है जी, नाड़ियां फूलते हो, मेरी नसें जाम हो गई है। आज तक किसी मेडिकल डॉक्टर को समझ में नहीं आया है कौन सी नस की बात कर रहा है। तो आपको लेमैन वाली भाषा में समझा देना है कि हाँ, कोई भी ब्लॉकेज रुकावट जो होती है वह आने पे ही दर्द होता है और वही काम हम करेंगे, तब उसके बाद समझ में आ जाएगी। विद द वार्मली एक्टिवेटिव इफेक्टिव ऑक्सीडेशन चैनल बिकम्स अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड पेन डिसअपीयर्स। तो यह सिद्धांत की बात तो मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं, ये चैनल को खोलने के लिए और पेन को हटाने के लिए हमें ब्लॉकेज रिमूविंग के दो जो मुख्य बिंदु है उस पर काम करना पड़ता है, स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड और स्टेग्नेशन ऑफ छी, और दोनों के लिए हमारे पास दो तरीके बहुत बेहतर हैं। जब भी मैं एकुपंचर बोलूं तो आप लोग ये मत समझिएगा कि निडल का ही काम है, एकुपंचर विदाउट निडल भी और विथ निडल भी, तो आप उसको एकुपंचर को विथ निडल और विदाउट निडल समझिए। विदाउट निडल का मतलब हो गया एकुप्रेशर तो होगा लेकिन पेड के साथ होगा, एकुपंचर तो होगा लेकिन विदाउट निडल मॉक्सिबेशन के साथ होगा। तो एकुपंचर का मतलब खाली निडल से नहीं है, एकुपंचर का मतलब विथ मॉक्सिबेशन विदाउट निडल भी है, विथ पेड विदाउट निडल भी है। तो वर्ड हम दो ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि साइंस ही है, फिर सब शाखाएं हैं। तो एकुपंचर शब्द का जब भी इस्तेमाल करें तो जो थेरेपिस्ट जैसे है उसको उस रूप में ले, वो विथ निडल भी काम कर सकता है और विदाउट निडल भी काम कर सकता है, रिजल्ट लगभग बराबर है। नो स्मोक नो मॉक्सिबेशन, याद रखिएगा धुआं नहीं है तो मॉक्सिबेशन नहीं है, धुआं होगा। अब सवाल उठेगा कम और ज्यादा का, एक कहावत है कि मोक्षा हैव फायर, याद रखिएगा कि धुएं के जब हम हवन करते हैं ना तो याद रखिएगा धुएं के पास चिंगारी ले जाने से धुएं से जाके लकड़ी जल जाती है हवन में, जो लोग हवन करते हैं उनको पता है। तो धुआं जो है वह एनर्जी का वाहक है, तो बिना धुएं के आप एनर्जी की कल्पना ना कीजिए। ये सारे मॉक्सिबेशन के चाइना के जो तरीके हैं जो हम भारत में भी इसी टाइप से करते हैं, तो ये धुआं तो होता है तो हम एक खुली जगह करते हैं, लेकिन इतना धुआं हम अपने क्लिनिक में नहीं करेंगे। तो इतना धुआं ना करते हुए मॉक्सिबेशन कैसे करना है, ये सारे तरीके हम कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी के पेड वाले प्रोग्राम में डिटेल से जानेंगे। लेकिन याद रखिएगा जो लोग कर रहे हैं उसको दिमाग में रखना है कि धुआं रहित मॉक्सिबेशन से रिजल्ट नहीं आते हैं, स्मोकलेस मॉक्सिबेशन से रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, लोग करते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं है। स्मोक इज ए कैरियर ऑफ एनर्जी, इसलिए मैंने ये दिखाया है, स्मोक इज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। Everyone agrees with moxibustion, but when it comes to moxibustion, there is some resistance and even fear that the smoke of it may cause harm to human body. प्राय लोग ये बोलते हैं कि बच्चों को दिक्कत हो जाएगी धुएं से, ये एलर्जी है, जबकि एलर्जी के बच्चों को ही धुएं वाला मॉक्सिबेशन दिया जाता है, स्मोकलेस नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं कि जब भी आप स्किन के व्हाइटनिंग के, स्पेकल्स रिड्यूसिंग के, रिंकल्स के, मॉइस्चराइजेशन के, एंटी एजिंग काम करेंगे तो आपको काम करने का तरीका बिल्कुल आना चाहिए। आपको पेशेंट के पीछे ढंग से खड़ा होने का स्पेस चाहिए, पेशेंट के और बेड की चौड़ाई होगी, डबल लॉक आपको करना होगा, चेहरा आपको ढक के करना होगा। लोग सुंदरता दिखाने के लिए अच्छे अच्छे फोटो जरूर डाल देते हैं लेकिन ये सारी लापरवाही नहीं चलेगी, सिस्टम से आपको काम करना ही आना होगा। तो सारी चीजों का ख्याल रखिएगा, अपने रोगी के साथ अच्छा कीजिएगा। कॉलिंग बेल हर आपके पेशेंट के पास होना चाहिए ताकि वो आपको बुला ले, आवाज देने की बिल्कुल मनाही है। अच्छा क्लिनिक स्थापित कीजिए, रोगी के पास दो प्रकार के बेल होंगे ताकि आपको मालूम हो कि किसने बेल बजाया है, और ये बेल रखिए, वो खाली बेल बजा के ही आपको बुलाएगा। ज्यादा करके हमारी नर्सें तो हर बेड पे रहती है लेकिन आपके पास इतनी सुविधा नहीं भी हो सकती है, तो कॉलिंग बेल का आप इस्तेमाल करेंगे। हम आपको जो लोग कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी वाले हैं उनको कुछ साउंड सिस्टम देंगे, जो एनफ स्लीपिंग एंड रेस्ट
आर द बेस्ट वे टू रिकवर चीज एंड ब्लड। यह सिद्धांत क्लिनिक में भी लागू करना है और उसके घर में भी लागू करना है। तो घर में उसको अच्छी नींद आए उसके भी तरीके बताएंगे और क्लिनिक में भी नींद आए तरीके बताएंगे। तो यहाँ निडल भी लगा हुआ है, हेडफोन भी लगा हुआ है। यूज माइंड फेशियल ऑडियो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। एक माइंड फेशियल होता है जिसके हम आपको वीडियो ऑडियो देंगे, कुछ अच्छे सूथिंग गाने होते हैं, कुछ साउंड ट्रैक होते हैं जो पूरे माइंड में दौड़ते हैं। तो दौड़ने वाला म्यूजिक लगाकर पेशेंट को सुलाकर अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी नींद में चला जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नींद में चला जाता है। तो वो चीजों का आपको इस्तेमाल करना है। फर्स्ट डे गाइड पेशेंट हाउ एंड व्हाई इट इज अटमोस्ट नेसेसरी टू मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस। पेशेंट को काउंसलिंग के दौरान ही बता दीजिए कि आपको क्यों और किस लिए शांति से सोना है, हल्ला उल्ला नहीं करना है, मोबाइल बंद करना है, या आपके लिए क्यों जरूरी है। आपके क्लिनिक के लिए जरूरी नहीं है, पेशेंट की रिकवरी के लिए जरूरी है, तो पहले दिन ही बता दीजिएगा। आपके जहां जिस बेड पे पेशेंट बैठा है वह सूथिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उसको नींद आना चाहिए, उसके बेड के ऊपर की लाइट बंद हो जानी चाहिए। कॉस्मेटिक ब्यूटी एक्यूथेरेपी एक अलग फील्ड है जिसमें ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। यह जानकारी मुझे एक्चुअली उन लोगों को देना चाहिए था जो पेड प्रोग्राम में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं आएंगे तो मैं उनको बीच में नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि उनकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो, तो उन लोगों को भी यह सलाह दे रहा हूं, बाकी बहुत डिटेल में दूंगा। ये सारे वो बेड है जिसपे किया जाता है। याद रखिएगा 40 मिनट मिनिमम का मॉक्सिलेशन होना चाहिए। तरीके हम आपको सिखाने जा रहे हैं। ये 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट के मॉक्सिलेशन से मॉक्सिलेशन नहीं कहलाता है। तो ये सारे तरीके हम आपको बताएंगे कि कैसे करा जाएगा। जो लोग निडल और तीन चीजें यहाँ पर मैंने दिया है, निडल का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन से। कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में आपको स्टिमुलेशन नहीं देना है, बिना स्टिमुलेशन के रिजल्ट आराम से आ जाएगा। इलेक्ट्रिक वायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बैटरी से मशीन चलाएंगे और मॉक्सा निडल के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, जो हम आपको आगे चलकर बहुत डिटेल में सिखाएंगे, जिससे स्टिमुलेशन अच्छा हो जाएगा। धुएं की बात के लिए विधि, ये फेशियल हो रहा है सबका मॉक्सिलेशन से, और विदेशों में तो बाकायदा मॉक्सिलेशन ब्यूटी सेंटर वगैरह खुले हुए, मॉक्सिलेशन मसाज सेंटर वगैरह है। तो आपको थोड़े से उसमें से भी इजाफा करना है इनकम में से, वो कैसे करने हैं। धुआं निकालने के लिए भारी भरकम इस टाइप की मशीनें आपको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो लोग प्रोग्राम में उनको हमने वीडियो दिए हुए हैं, आगे वाले जो प्रोग्राम रहेंगे उनको भी हम तरीके बताएंगे कि सस्ता सुंदर सहज टिकाऊ से आप गुड वेंटिलेशन बना सकते हैं और बिना धुएं के भी आप काम कर सकते हैं। आपका क्लिनिक में इस टाइप के भारी भरकम मशीनों की कोई जरूरत नहीं है। ये बाकायदा एक मशीन है जिससे धुआं निकालने के लिए होता है। विदेशों में ये इस्तेमाल करते हैं क्योंकि चाइना को हर तरह का सामान बेचना आता है, तो इसलिए वो रिक्वायरमेंट पैदा करता है और सामान बेच देता है। तो ये लाखों के बजट की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। धुआं रहित क्लिनिक बनाना बड़ा आसान है, वो हम आपको बता देंगे, चाहे एसी हो नॉन एसी हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आज तक हम लोग स्पाइन मॉक्सा ड्रैगन मॉक्सा करते आए हैं, इतने बड़ा रिस्क लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सारे तरीके हम आपको बहुत टेक्निक से बताएंगे कि इतने ही रिजल्ट शुरुआती दौर में दूसरे से जाए। जब आप बहुत हुनरमंद हो जाएं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, मेरे साथ आप ऑनलाइन में ये सारे मेरी निगरानी में एक बार करने लग जाएं, ऑफलाइन क्लासेस में आकर ये मुझे एक बार दिखा दे, तभी अपने रोगी पे कीजिएगा, वरना देख देख के ये सब मत कीजिएगा। जो जिंजर मॉक्सा है आपको आसान लगता है, लेकिन यह भी बहुत सेफ मॉक्सिलेशन नहीं है अगर आपके पास ऊल नहीं है तो। ये सिर्फ ऊल मॉक्सिलेशन के लिए सही है, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे उसके बजाय आप किया जा सकता है। तो ये सारे हम होम केयर के लिए और करने के तरीके आपको आगे चलकर बताएंगे। जो लोग कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन इसके नियम मालूम होने चाहिए। खाली पीठ पे रख देने से यह काम नहीं करेगा। पेशेंट से आप रुपए ले रहे हैं तो आपको सारे तरीके पते होने चाहिए। ये बूमरैंग और बहुत टाइप के अलग अलग मॉक्सा हैं भारत में, इसको 1 स्टार और 5 स्टार के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको करने के खास तरीके किसी भी क्लिनिक में मैंने वो तरीका नहीं देखा। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, मेरी समझ में नहीं है। करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो आपको लागू करने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको हम क्लास में थोड़ी डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपको एनवायरमेंट का ख्याल रखना है। क्लिनिक साफ सुथरा और हाइजीनिक होना चाहिए। बेड कैसे बिछेगा, बेडशीट कैसे बिछेगा, सस्ता क्लिनिक कैसे बनाएंगे, ये हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। एक छोटा सा इन्होंने अपने कमरे के अंदर, यहाँ पर कभी रेस्तरां हुआ करता था, उसमें उसको इन्होंने मॉडिफाइड करके यहाँ पर एक क्लिनिक खुलवाया हूँ, और बहुत सुंदर और साफ सुथरा नजर आ रहा है।
गया, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं किया गया और आराम से देखिए इसी में हम काउंसलिंग कंसल्टेंसी भी करा रहे हैं, यहाँ पर हम पेशेंट को वेटिंग भी करा रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं साथ आए हुए, अगर कोई वाइफ ट्रीटमेंट दे रही है तो उसका हस्बैंड भी पास में बैठ रहा है, सारे सामान को रखने का भी हमने जगह बना दिया, साफ सुथरा जगह भी बना दिया, औजार वगैरह के लिए सामने हमने जगह भी बना लिया। तो आपको महंगा क्लिनिक नहीं स्थापित करना है, जो भी क्लिनिक आपके पास है उसको साफ सुथरा और थोड़ा सा सूथिंग एटमोसफेयर का रखिए, अगड़म बगड़म से क्लिनिक मत भरिए, बहुत ज्यादा सामान की क्लिनिक में जरूरत नहीं होती है, लोगों ने पता नहीं उल्टे सीधे चीजें भर रखा है, रिजल्ट देने की कला सीख जाइए, अच्छा काम कीजिए, कोई भी क्लिनिक में आए तो उसको लगे कि यार यहाँ तो नींद मस्त आएगी, ठीक है। ऑर्थोपेडिकल क्लिनिक में ये फोटो मेरा पूरी दुनिया में वायरल हुआ और सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला ये मेरे क्लिनिक का फोटो है, और आपको भी ये तरीका आना चाहिए कि भारत के लोग पैरों के नीचे तकिए दिए बिना घुटना दर्द का इलाज करते हैं, मत कीजिएगा, ये सीक्रेट मैंने आपको बता दिया है। घुटने के नीचे रख कर और उल्टा सेने पे एंकल के नीचे रख कर कीजिए, आपको खुद पता पड़ जाएगा आपके रिजल्ट कैसे अच्छे होते हैं। टाइम पूरा हो गया, 5 मिनट बाकी है, तो मैं यहीं पे विराम देता हूँ, बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बहुत कुछ के लिए अब समय नहीं है, तो 5 मिनट में प्रश्नोत्तर दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं उनके लिए कॉल नंबर है 7002506486, इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप नहीं है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9435021306, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप है, इस पे कॉल सुविधा नहीं है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले रविवार फिर एक नए टॉपिक के साथ पूरे डिटेल में, साधारण साधारण बातों से आपको बताने की चेष्टा हुई है जिससे कि बिल्कुल समझ ऐसा पैदा हो कि जैसे हम घर में एक दूसरे से बात करते हैं, तो छोटे छोटे बातों से मुझे लगता है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिल गया होगा। अब पढ़ना छोड़िए, सीखना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, क्लिनिक चलाइए, क्योंकि सारा खेल आपके प्रैक्टिकल क्लिनिकल रिजल्ट पर टिका हुआ है। सब्जेक्ट को पढ़ना सिर्फ समझने तक होना चाहिए, जितनी समझ दी है वो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और अपनी आंखों को, अपने दिमाग को और अपने हाथ को तैयार कीजिएगा, क्योंकि सारा खेल वहीं से सफलता के शुरू होंगे। मेरी शुभकामना सारे लोगों के साथ है जिन्होंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, ये वीडियो मैं दे दूंगा, आप अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जितने लोगों का भला होगा साइंस का भला होगा, जब साइंस का भला होगा तो लौट कर वो आपके पास ही आएगा, हमारे पास ही आएगा। तो शुभ रात्रि, इस प्रोग्राम का यहाँ समापन करते हैं और मिलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। अब हम देंगे आपके प्रश्न और उत्तर, जो आज के स्लाइड में जो बातें आपको समझ में नहीं आई उसके बारे में। मैं मनोज खंडेलवाल आपसे लेता हूं एक अल्प विराम।